बाजार में है। आज फिर से एक्सपायरी के दिन कमजोरी ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए और लगातार बिकवाली का दावा। बड़ा सवाल है कि आखिरी डेढ़ घंटे में 11,000 के लेवल के ऊपर फिर से आकर ढंग ढंग की एक्सपायरी दे पाएंगे या फिर रहेगी कमजोरी ही। लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। और बाजार तो दिन के निचले स्तरों पर है ही, तो आखिरी मिनटों की स्ट्रैटेजी यानी आखिरी के डेढ़ घंटे की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए उस पर हम करेंगे चर्चा और अगले सीरीज की करेंगे तैयारी। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगले डेढ़ घंटे में क्या है खास। 2 बजे कमाई के शानदार BTSTT कॉल्स आपके लिए आएंगी, यानी बचे हुए डेढ़ घंटे में आप किन स्टॉक्स में ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। 2:02 पर बताएंगे कि अक्टूबर सीरीज जिसकी शुरुआत कल से होगी उस सीरीज के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं, कौन से वो खबरें हैं या फिर फैक्टर्स हैं जो बाजार की दिशा इस सीरीज के लिए कर सकते हैं तय। 2:05 पर बाजार खुलने के बाद तमाम वो स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे जहां पर खबरें आई हैं, जहां पर आज एक्शन दिखा है। 2:30 पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अनिल जी की रणनीति आपके सामने लेकर आएंगे। और 3 बजे होगा बैन से बेनिफिट, यानी कहां है कमाई के मौके ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले बाजार की बड़ी बातें। और एक्सपायरी के दिन बाजार पर है दबाव और लगातार ऊपरी स्तर से फिसलते हुए दिख रहे हैं और कोई खास बड़ी अच्छी रिकवरी आ नहीं रही, पहली बात। दूसरी बात, बैंक्स इस रिकवरी को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमजोर हुई है। यस बैंक 6% से ज़्यादा लुढ़क गया तो वहाँ मामला मुश्किल है। NBFC शेयर लगातार गिर रहे हैं, उसमें भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों पर दबाव ज़्यादा है तो यहाँ पर कमजोरी बढ़ रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो पूछो ही मत, आप ना पूछो तो बेहतर है। वहाँ तो हाल इतना बुरा है कि क्या बताएं आपको। 1.5% मिड कैप इंडेक्स लुढ़का हुआ है तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि जहाँ निफ्टी सिर्फ 0.5% नीचे, मिड कैप इंडेक्स 3 गुना नीचे है उसके मुकाबले में। इससे पता चलेगा कि कितनी जोर से मार पड़ रही है, एक चीज है। अब आइए चुनिंदा IT और मेटल शेयरों में खरीदारी। खासतौर से हिंडालको टाइप के शेयर थोड़े अच्छे हैं, इन्फोसिस थोड़ा बेहतर होता हुआ दिख रहा, तो इन्होंने थोड़ा संभाला है हरे निशान में, बाकी मामला बड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो इस समय फिर बाजार के बड़े सवाल क्या है? जी देखो, बड़े सवाल तो सबसे पहले तो यही कि आज चूंकि एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन आखिरी डेढ़ घंटे में क्या कुछ रिकवरी होगी क्या, और दूसरा 11,000-11,100 का जो हमारा पोल है क्या उसमें आप एक्सपायरी होते हुए देखेंगे या 11,000 के नीचे रहेंगे। पहला सवाल तो सबसे बड़ा है, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। फार्मा की सेहत और बिगड़ सकती है क्या, या फिर अब तक तो फार्मा हर एक गिरावट में खरीदारी का मौका देते थे, बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय ऑन एवरी डिप्स, तो अभी भी ऐसा ही होगा क्या, ये बड़ा सवाल है। मेटल शेयर चमक रहे हैं लेकिन क्या सिर्फ आज ही का है वन डे वंडर, या फिर तेजी बढ़ेगी? कल बढ़ चुके, आज बढ़ चुके, कितना बढ़ेंगे, कहीं तो रुकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब लेंगे। और साथ ही IT शेयर क्या फिर से बाजार को सहारा दे सकते हैं, क्योंकि एक दो दिन की कमजोरी के बाद IT फिर से मजबूत हो चुका है और इन्फोसिस वगैरह की ये शेयर ऐसे हैं जो इंडेक्स को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बचा है रुपया जो बड़ा वॉलेटाइल है, खुलता किधर है बंद किधर होता है और दिन के दौरान सब तरफ घूम के आता है, तो अभी भी आज भी ऐसा ही हो रहा है, मजबूत खुला फिसला, कभी ऊपर कभी नीचे, अभी है कमजोर। क्या 73 की तरफ बढ़ेगा या 72-50 की तरफ, इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। तो इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आगे शो के दौरान। लेकिन अब मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं, पूजा मौजूद है बताने के लिए कि अक्टूबर सीरीज के लिए अहम ट्रिगर क्या है और जिसके पास है खबरों वाले स्टॉक। शुरुआत करते हैं पूजा से। पूजा, पहले तो ये बताइए इस पूरी सीरीज के लिए जो कल से शुरू हो रही है, कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं, कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं? जी, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं कल से जो सीरीज शुरू होने वाली है उसमें, और शुरुआत पहले कल वाले इवेंट से ही करते हैं। निफ्टी में बदलाव होने जा रहे हैं, इनके मिड कैप इंडेक्स में ही बदलाव होगा और निफ्टी 50 इंडेक्स में भी बदलाव होने जा रहा है, जिसमें कि लुपिन बाहर होगा निफ्टी 50 इंडेक्स से। और आज हम देख रहे हैं लुपिन में कमजोरी भी है, तो उस पर भी नज़र रखिए। घरेलू गैस कीमतों में बदलाव की घोषणा का संभव है और माना जा रहा है कि यहाँ पर कीमतें बढ़ सकती हैं, तो इस पर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा इरकॉन इंटरनेशनल की लिस्टिंग होगी, 575 इसका इशू प्राइस है। IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, 10% सब्सक्राइब हुआ था, कल इसकी लिस्टिंग होगी, देखना होगा यहां पर किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। GST काउंसिल की भी बैठक होगी तो यहां हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो ITC और इंडियन होटल्स पर नजर रखिए, खबर आ रही है कि ताज मानसिंह के लिए बोली लगा सकती है तो यहाँ पर फोकस होगा। इसके अलावा रेडिंगटन, कल से कंपनी का बायबैक खुलेगा, ₹125 प्रति शेयर के भाव पर ये बायबैक किया जाएगा, करीब 140 करोड़ की शेयर की बायबैक की घोषणा की थी कंपनी में, कल इसका बायबैक खुलेगा तो यहाँ पर नजर रखिए। इसके अलावा आंध्र बैंक और बलरामपुर चीनी, और यहाँ पर भी अपडेट आई थी इस दोनों कंपनियों से जुड़ी कि कल FNO से ये दोनों ही स्टॉक्स बाहर हो जाएंगे, तो यहाँ पर नज़र रखिए। अब 1 अक्टूबर से शुरुआत करते हैं इवेंट्स की। सितंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे,
यहाँ पर नजर होगी, और जो नए घरेलू कीमतों की हम बात कर रहे थे वो 1 अक्टूबर से लागू हो सकते हैं, तो इन दो इवेंट्स पर नजर रहेगी। इसके अलावा 3 से 5 अक्टूबर आरबीआई एमपीसी की 3 दिनों की बैठक शुरू होगी। पॉलिसी में इस बार उम्मीद की जा रही है कि शायद बढ़त देखने को मिल सकती है 0.25% की, तो देखना होगा किस तरह के अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। इसके अलावा 12 अक्टूबर को सितंबर सीपीआई के आंकड़े आएंगे और अगस्त के आईआईपी के आंकड़े आएंगे और 15 अक्टूबर को सितंबर के डब्ल्यूपीआई के आंकड़े जारी होंगे। तो ये तमाम इवेंट्स हैं जिस अगली सीरीज में जिस पर की नजर रहेगी। और पूजा, इसी सीरीज से नतीजों की भी शुरुआत हो जाएगी जो बाजार के लिए सबसे अहम ट्रिगर है, तो नतीजों के बारे में बताइए किस तारीख से इंटरव्यू जो नतीजे हैं वो शुरू हो रहे हैं और कौन कौन सी कंपनियां फोकस में रहेंगी इस सीरीज में। जी, दूसरी तिमाही के नतीजों की भी शुरुआत हो जाएगी और 5 अक्टूबर से रिजल्ट सीजन चालू हो जाएंगे जिसमें कि सबसे पहले गोवा कार्बन अपने नतीजे घोषित करेगी 5 अक्टूबर को। इसके बाद 10 अक्टूबर को बंधन बैंक के नतीजे आएंगे, तो यहाँ पर नजर रखिए। 11 अक्टूबर जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स आएंगे। इसके अलावा 12 अक्टूबर कर्नाटका बैंक अपने नतीजे जारी करेगी, तो काफ़ी सारे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के नतीजों से शुरुआत होगी इस बार के अर्निंग सीजन की। 16 अक्टूबर को हीरो मोटो कॉर्प और इन्फोसिस अपने नतीजे जारी करेगा, तो 16 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है। इसके अलावा 17 अक्टूबर को एम्फेसिस के नतीजे आएंगे, 20 अक्टूबर HDFC बैंक से शुरुआत होगी बैंकिंग के नतीजों की, तो यहाँ पर नज़र रखनी होगी। इसके अलावा 21 अक्टूबर को एक और मिड कैप आईटी कंपनी परसिस्टेंस सिस्टम अपने नतीजे घोषित करेगी। 23 अक्टूबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा नतीजों के लिहाज से, 23 और 24 अक्टूबर ये रिजल्ट हैवी डे होने वाला है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और TVS मोटर्स के नतीजे आएंगे 23 को, और 24 अक्टूबर को बजाज ऑटो, बजाज होल्डिंग, भारत फाइनेंस और हेक्सावेयर अपने नतीजे घोषित करेंगे। तो ये हैं अहम नतीजे, और बड़े नतीजों की बात करें तो 16 अक्टूबर बड़े नतीजों की शुरुआत 16 अक्टूबर से हो रही है जब हीरो मोटो कॉर्प और इन्फोसिस अपने नंबर्स करेंगे पेश। लेकिन बाजार खुलने से लेकर अब तक कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आई हैं खबरें, ये जान लेते हैं रजत से, बताइए। अबन ऑफशोर पहला शेयर है क्योंकि मलेशिया से इनकी सब्सिडियरी को 1 साल के लिए एक ऑर्डर मिल गया और ये रिग्स लगाने के लिए एक ऑर्डर मिला है। अबन ऑफशोर के लिए एक अच्छी खबर आज गिरते बाजार में आती हुई नजर है और स्टॉक पे लगभग 1.5% की तेजी बन गई। दूसरा स्टॉक है LNT जिसमें LNT पार को 1400 करोड़ रुपए का ऑर्डर हाथ लग गया और ये स्टॉक आज कहीं ना कहीं फोकस में, हालांकि गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन टाटा पार, ये खबर आई थी सुबह मॉर्निंग ट्रेड में कि ये HPCL के साथ उन्होंने करार किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को लेकर, ये करार किया गया है टाटा पार पे, खबर थी। और SBI पे अभी खबर आई है कि सरकार ने कैशलेस इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठा लिया, उन्होंने SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है और ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होंगे वो 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच सब्सक्राइब किए जा सकेंगे। बैंक की 29 शाखाओं पर ये जारी होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। और साथ साथ कुछ ब्लॉक ट्रेड्स हुए, ब्लॉक डील्स हुई जिसमें कैस्ट्रॉल 16.5 लाख के करीब शेयर्स की ब्लॉक डील हुई 147 रुपये प्रति शेयर के भाव पे, और साथ साथ मदरसन सुमी एक और स्टॉक जिसमें 15.5 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील हुई 258 रुपये प्रति शेयर के भाव पे। तो ये हैं खबरों वाले स्टॉक्स और इन स्टॉक्स पर लेंगे आगे एक्सपर्ट्स की राय, लेकिन अब मेहमानों को करते हैं शामिल। शुभम अग्रवाल, आशु मदान, राकेश बंसल और कुणाल सरावगी हमारे साथ मौजूद है शो में। और निफ्टी कोशिश कर रहा है वापस 11,000 के ऊपर आने की, टिकने की, लेकिन अभी 10,998 पर कारोबार हो रहा है। शुभम, आप बताइए, व्यू दीजिए निफ्टी पर, 11,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है कि रिकवरी दिखाए इन स्तरों से और 11,000-11,100 के बीच एक्सपायरी होती हुई दिखे? गुड आफ्टरनून दीपाली, निफ्टी को अगर हम देखें और जिस तरह का ऑप्शंस डेटा अभी प्लेस्ड है वो यही इंडिकेट कर रहा है अभी भी कि 11,000 से 11,100 के बीच में कहीं पे आकर के एक्सपायरी होना चाहिए। और ऑप्शन पेन का जो थेसिस है जहां पे राइटर्स को सबसे ज्यादा मुनाफा होता है वो लेवल है 11,050 का, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से थोड़ा सा हो सकता है और पुल बैक 11,050 तक हमें देखने को बिल्कुल मिल सकता है। बट जिस तरह का मार्केट में दबाव काफी समय से बना हुआ है, ट्रेड काफी रिस्की होगा वो बहुत ऑब्वियस है, बट ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी निफ्टी में बरकरार है, तो मुझे लगता है 11,000 से 11,100 के बीच में ही एक्सपायरी आना चाहिए और ये कंसोलिडेशन हो सकता है आज भर के लिए लास्ट करे और उसके बाद फिर हमें एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले। तो मेरी अभी भी उम्मीद है कि यही लेवल बरकरार रहना चाहिए निफ्टी में और एक्सपायरी इसी रेंज में देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो इन्हीं लेवल के आसपास एक्सपायरी, अभी तो ऐसा लग रहा है इन पे ही हो जाए तो ठीक है, नहीं तो पता नहीं एक्सपायरी कब होगी, तेजी करने वाले ट्रेडर्स एक्सपायर ना हो जाए उससे पहले, वैसा वाला मामला हो गया तो जहाँ हाथ लगाओ वहाँ खड्डा,
225 अंक नीचे बैंक निफ्टी, लेकिन कम से कम एक चीज अच्छी दिख रही है, थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज ये अच्छी दिख रही है, सुबह हम कह रहे थे 25,000-25,050 के रेंज में सपोर्ट लेना चाहिए बैंक निफ्टी, एग्जैक्टली 25,040 का लो बनाकर वहां से रिकवर हो रहा है। और निफ्टी भी 10,950 का जो सपोर्ट लेना चाहिए, 10,957 का, तो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तो होल्ड किए हैं, अब ये टिक जाए बस उतना काफी है। तो ये है मामला, लेकिन कमजोरी तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। और कमजोरी की लीडरशिप पूरी की जो आ रही है वो आ रही है NBFC कंपनियों से। और आज फॉर अ चेंज यस बैंक बड़ा जोर से गिरा है, 7% बंसल जी क्या हुआ? यस बैंक का नाम सुनते एकदम लंबी सांस छोड़ी आपने, बहुत दुखी है? मिस हो गया मैंने, अभी भी बेच दो अनिल जी, अब तो नई टेरिटरी में आ गया ये। 217 एक नेकलाइन थी इसकी, उसको तोड़ के निकला है वो। तो कुणाल जी बोले थे कि 218 के नीचे खराब हो जाएगा, वही था ना लेवल शायद, मेरे ख्याल से 218-235 कुछ। दो तीन बार पहले भी ये निकला है फिर ऊपर आया, बट आज ऐसा लग रहा है कि 217-218 के जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग आएगी, और क्लोजिंग आती है तो वो काफी खराब होगा। और एक और मतलब आपको तो बड़ा दुख हो रहा है कि आपको मिस हो गया, एक आदमी जिनको तो बिल्कुल ही दुख नहीं हो रहा वो है आशु मदान साहब। आशु जी आप तो बोल ही रहे थे ये तो गिरने वाला है, मतलब इतना जोर से गिरेगा ये, हमने आपको सीरियसली लिया नहीं एक्चुअली। सही बताऊँ उस समय हमने सोचा कि वाह बोल रहे हैं, इतना मजाक कर रहे होंगे आशु जी, थोड़ी अब थोड़ी इतना गिर जाएगा, ये हो क्या रहा है सर? ये सर अगर मेरे को पूरा अपना नॉर्मल व्यू देना है तो राकेश बंसल से अप्रूवल तो ले दीजिए सर, कभी वो बोलेंगे नर्वस सिस्टम फिर हिल जाता है उनका। राकेश जी अप्रूवल मांग रहे हैं आपकी। राकेश जी कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो आप तो बोलो बस, आज सर आप बोलो। अरे सर अनिल जी मैं बार बार सारे क्लाइंट्स को सबको बोल रहा हूँ कि यस बैंक में पूरा देश फंस गया है सर, मतलब इतना ओवरबॉट स्टॉक हो गया है। अब मैं बार बार बोल रहा था 330 रुपए का जिसने लिया हुआ है उसको 230, 220, 240 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं सर जो अबली भी इतना घटने के बाद भी आखिरी एक घंटे में मुझे लगता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटलाइजेशन हो सकती है और अनाप शनाप भाव पे लोगों के सौदे कट सकते हैं। सो मैं कई 3 दिनों से बोल रहा था कि ये अब तो जो डैमेज हो गया लेकिन जो एक्सपायरी प्रेशर है वो इतना डेंजरस है ऐसी मार्केट के लिए। पर अनिल जी प्रॉब्लम ये नहीं है, ऐसे में क्या होता है कि मार्केट अक्सर कटने के बाद यू शेप या रिकवरी लेती है और यहां से भी लेगी, वो सिलेक्ट स्टॉक्स लेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं अनिल जी, जैसे मैंने फरवरी मार्च में आपको बोला था कि 2018 कैलेंडर में भाव नहीं आएंगे, अब मुझे लगता है कि अब इलेक्शन तक या इलेक्शन में जब तक कोई आउटकम नहीं होता बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अगले 4-5 महीने तक भाव नहीं आएंगे, किसी को एग्जिट नहीं मिलेगा। सो हो सकता है किसी एक लेवल पे जाके टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन हो जाए, लेकिन टाइम वाइज सर अब तो बहुत बहुत फंस गए और ये एग्जिट नहीं मिलेगा। अभी आपने भी कहा जैसे कि अब तो यहीं पे रुक जाए या इतने पे ही हो जाए, अब वो स्टेज एक्चुअली ऐसी आ गया कि सर जब मन्नत मांगनी पड़े कि ये मेरे भाव आ जाए हो जाए, ये वही स्टेज है। तो इसलिए सर मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी भी शायद, मैं परसों भी मैसेज किया था वर्स्ट इज येट टू कम, और मुझे लगता है कि जो एक मैक्सिमम वर्स्ट है वो शायद अभी आखिरी एक घंटे में हमारे को देखने को मिल सकता है। लो साहब भेज दो, अब तो भेज दो, नहीं अरे इतना सपोर्ट है आशीष सर का, बोल रहे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बोलो अनिल जी, हमने ना इसी शो में जुगलबंदी के अंदर मैंने और कुणाल जी ने IRB इंफ्रा दिया, BEL दिया, फिर GSFC दिया, वहां पे भी बड़ी क्वेरीज आई, कई लोगों ने पहले टारगेट पे शॉर्ट करा था और मैंने आज मॉर्निंग में उसको कवर करा, फॉलो अप दिया कि जिसका बिका हुआ है वो होल्ड रखे। तो आज आशु जी आए हैं तो उनके सम्मान में हम हो सकता है कि दो ऐसी बढ़िया वाली सेल कॉल दें, उसी पर R&D चल रही है तो थोड़ा समय दीजिए और समय दीजिए और जुड़े रहिए जी बिजनेस के साथ उन दो शानदार पिक्स के लिए। अरे वाह, मतलब ये तो गजब ही है। दीपाली जी डिस्क्लेमर भी आ चुका है कि दोनों बिकवाली के ट्रेड नहीं, वो तो ठीक है, वो डिस्क्लेमर तो ठीक है, आपका आपका और हमारा काम कर रहे हैं। हां बोलिए आशीष सर। अनिल जी मैं बिल्कुल वैसे तो ये जो राकेश बोल रहा है बिल्कुल ठीक है, बने रहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने हमें कंफर्ट दिया और जिस तरह से हमने खुल के ये मंदी बोली और सब कही सर, वो अच्छी नहीं लगती है। मैं बहुत सारे एग्जांपल सर बॉलीवुड और क्रिकेट के देता हूँ। वो एक मूवी थी सिंग इज किंग, उसमें वो कहते हैं तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, तो उसने कहा मैं तो सच बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है। अब मैं भी सर वो कोशिश करता हूँ, मैं तो सच बोलूं लेकिन जो लोगों का प्लस होता है बुरी अपने आप लग जाती है, बट क्या करें सर, हमने तो वो बोलना है जो हमें दिखता है और लगता है और कोशिश करते हैं लोगों के लॉसेस बचा पाएं।
अभी भी सर इतने सारे फोन आते हैं कि आपने तो ठीक बोला था लेकिन हम कर नहीं पाए, तो वो मजा नहीं आता। बट क्या करें सर, हमें तो जो दिखता है कन्विक्शन से बोलना पड़ता है, एंड थैंक्स टू यू के सर हमारे को विंडो मिलती है कि हम खुल के ये बात कर पाते हैं। ना ना ना, अगर भाई आपकी सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मेरे चैनल पे ना हो या मेरे शो में ना हो, तब तो मेरा शो करना ही बेकार है। तब तो वो फेलियर मेरा है, आपका नहीं है। सिंपल चीज ये। और दूसरी बात, जहाँ तक ये बोलने की बात है आज सर, देखो इलाज तुरंत करना है तो गोली कड़वी वाली खानी पड़ेगी, तभी इलाज होता है। तो अगर आप होम्योपैथिक वाली मीठी गोली खाओगे तो 6-12 महीने मिल लगेंगे और उसके बाद पता नहीं इलाज होगा नहीं होगा। तो ये तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है स्टॉक मार्केट, तुरंत आप गोली खाओ, इंजेक्शन लो, तब जाके आगे बढ़ सकते हो। तो ये तो बिल्कुल आपकी राय एकदम सही है, अब कोई माने ना माने वो अपनी जगह है, ये तो चलता रहेगा, चलिए। लेकिन बिल्कुल तो बंसल जी तैयार रहिएगा फटाफट अपनी कॉल्स के लिए। लेकिन आइए अब स्टॉक्स पे करते हैं फोकस, कहाँ पे हमें एक्शन दिख रहा है। मेटल शेयर, शुभम जी क्या कहीं कोई खरीदारी का मौका है या बाजार की आंधी में ये भी टिक नहीं पाएंगे तो अब हड़बड़ी ना करें खरीदने की, क्या कहेंगे आप? अनिल जी, यहाँ पे अगर देखें तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं कुछ स्टॉक, जैसे अगर हम टाटा स्टील को देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, हिंडाल्को भी काफी यहाँ पे पॉजिटिव टेरिटरी में होल्ड कर रहा है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे भी अपसाइड बहुत बड़ा नहीं है और लिमिटेड है, तो एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि यहाँ पे पुटबैक बिल्कुल देखने को मिल जाए, जहाँ पे हिंडाल्को 260 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है और वही टाटा स्टील के लेवल की अगर हम बात करें तो 635-640 तक जा सकता है। बट मुझे लगता है मार्केट में जिस तरह का दबाव बना हुआ है अभी, तो यहाँ पे डर बिल्कुल बना रहेगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी और फिर से अगर एक करेक्शन अगर निफ्टी में होना शुरू हो जाता है तो काफी ऑब्वियस है कि फिर यहाँ पे भी फिर से दबाव देखने को मिलेगा। तो अगर एक से दो दिन का पर्सपेक्टिव है किसी ट्रेडर का और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन कर सकते हैं तो यहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस जरूर है और 2-3% का अपसाइड दोनों में ही, टाटा स्टील और हिंडाल्को में मुझे लगता है पॉसिबल है, तो ये ट्रेड बनाया जा सकता है जो कि ऑन द कॉन्ट्रा साइड होगा। 3% की तेजी इन स्तरों से भी हिंडाल्को टाटा स्टील में बन सकती है। एक और स्टॉक है जो तेजी दिखा रहा है वो है चेन्नई पेट्रो का। हालांकि पूरी सितंबर सीरीज के दौरान ये मोरलेस कमजोरी रहा है, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग के सहारे अभी आ चुका है दिन के ऊपरी स्तरों पर, 4% के उछाल के साथ हो रहा है ट्रेड, 16-17% का ओपन इंटरेस्ट घटा भी है। एक बार शुभम देखिए स्टॉक को भी और बताइए जो ये शॉर्ट कवरिंग बनी है इसके सहारे और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या? दीपाली मैं स्टॉक का नाम मिस कर गया, चेन्नई पेट्रो ओके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग अभी देखने को मिली है, बट मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के वीवैप पर्सपेक्टिव से है और इसमें कोई मेजर मुझे मीडियम टर्म ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लग रहा है। तो जब तक 285 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड है वो मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगा और ये जो आज का मूवमेंट है इसको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे जो मूवमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी पर्सपेक्टिव का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। तो 285 ये लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके पार निकलता है तो ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है, अदरवाइज करंट लेवल पे अवॉइड करने की सलाह होगी। ओके, तो करंट लेवल पर करें अवॉइड, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग में कितना चलेगा किसी को पता नहीं और जब पता नहीं तो क्यों करना है, सिंपल। ओके, लेकिन एक ट्रेड आपको जरूर करना है और वो भी शॉर्ट साइड पे आ रहा है और वो भी एक एक्सपर्ट नहीं दो एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, वो भी एक साथ कर रहे हैं, वो भी दो अलग अलग तरीके से चार्ट देखकर कर रहे हैं, तो 1 और 1 11 आइए देखते हैं राकेश कुणाल चार्ट को। बोलिए सर किसको बेचना है? अनिल जी सेट को बेचना है। मैं तो सुबह बोला था लेने का बोलता, आपके टारगेट दोनों टारगेट्स आपके बड़े वाले, तीन टारगेट से तीनों अचीव हुए, तीनों वाले हुए, थैंक गॉड। बाल बाल देखा था उसके बाद भी हुआ था, बचिया बचिया आज तो बाल 1270 आखिरी टारगेट था जो कि हासिल हुआ है, 1270 भी जा गया है, तो फिर 1170 क्यों हो गया है? क्योंकि सारे टायर सब मार्केट नीचे आया तो सब यूटर्न पूरा यूटर्न। और ये अनिल जी हमारा स्पेशल वाला मतलब बड़ी इंटेंसिटी वाला बड़ा ब्रेकडाउन है और इसमें अगर आप देखें अनिल जी मौजूदा सीरीज में तो लगभग 2% का जो आज सीरीज खत्म हो रही है 2% का ओपन इंटरेस्ट घटा है, बट ओवरऑल अगली सीरीज में देखें तो 30% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, मैसिव शॉर्टिंग है और काफी समय से स्टॉक रडार पे था, आज तो इसने नेकलाइन तोड़ी है और मुझे लगता है स्टॉक 1120 रुपए तक तीन से पांच दिन में गिरने का दमखम रखता है, एक अच्छे पैसे बनेंगे, बेच के चले। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए स्ट्रक्चर बहुत कमजोर है, इसमें एक बेरिश सॉसर पैटर्न का ब्रेकडाउन आ जाते हुए दिख रहा है, 1250 के नीचे ये ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फॉल इस काउंटर में आना चाहिए। जो लेवल्स हैं जैसे अभी राकेश जी ने कहा 1120 तक मुझे लगता है फिसलेगा, लेकिन एक बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट 1160 का रखते हैं पहला और 1140 दूसरा। मुझे लगता है दोनों टारगेट्स आपको इसमें बहुत कम वक्त में आते हुए दिखेंगे, तो डेफिनेटली शॉर्ट करें न केवल इस एक्सपायरी के लिए बल्कि अगले एक्सपायरी। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है अनिल जी, 1250 के आसपास। नहीं नहीं इतना बड़ा कौन लेगा, मैं तो ले ही नहीं रहा आपसे 1176। अनिल जी 76 तो अब है, तो पहले तो कब 20 रुपए स्टॉक गिर गया है, 20 रुपए गिर गया हमारे बोलने के बाद है। हाँ अनिल जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अनिल जी व्यूअर्स हैं, जब उनको पता चलता है यहाँ पर बड़ी इंटेंसिटी का बड़ा ब्रेकडाउन है तो बिकता है। 20 रुपए गिरा है, 20 रुपए गिरा है, आप चेक करा लीजिए ग्राफ का। नहीं है जी, बोलिए 1200 था अनिल जी जब हम बोलना शुरू किया था, बिल्कुल 22 रुपए नीचे चला। अरे माय गॉड, 25 रुपए ऐसे नहीं, मैं वही सोच रहा था 1200। अच्छा तो आप रिवाइज तो कर दो। हाँ जी, स्टॉप लॉस अभी वापस से ढंग का लगवाओ कुछ। हाँ स्टॉप लॉस वापस नया आ रहा है थोड़ा, 1204 रुपए के आसपास 1200। हाँ ये चलेगा, और आपने शॉर्ट भी 1200 से दिया ना, तो ठीक है, किसने उसके ऊपर तो शॉर्ट किया हो तो कॉस्ट पर अपना स्टॉप लॉस। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, हाँ ये समझ लेते हैं, वो आप जैसे ही बोलते हो 20-25 रुपए गिर जाता है तो फिर कैसे शॉर्ट करें तुरंत? अनिल जी आप वॉल्यूम पे चैनल को रखें। आप अनिल जी सुबह आपने एक चीज बोली थी, बड़ी अच्छी चीज बोली थी कि भैया हमारा काम है रिसर्च और एनालिसिस देना, राइट? लोगों की जेब में हम 2000 रुपए नहीं डाल सकते। अनिल जी हमने कॉल दिया, व्यूअर का काम है चैनल की वॉल्यूम को ऑन रख के करना। अच्छा वॉल्यूम मतलब आवाज, आवाज को ना। अच्छा हाँ, तो ऐसे ही अब आप कहोगे हम ट्रेड भी उनके लिए जाके कर दें। नहीं 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 आप तो करेंगे, ये तो अपना। और बोलने से पहले अनिल जी बोला था कि स्पेशल कॉल है, ये स्पेशल कॉल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में फुर्ती की बहुत जरूरत है, तो अगर आप तुरंत सौदा डालेंगे तो उतना अच्छा आपको प्राइस मिलेगा, अगर आप इंतजार करते रहेंगे ब्रोकर को कॉल करेंगे कभी फोन मिलेगा कभी नहीं मिलेगा तो थोड़ी लेट हो जाएगी। अच्छा ये तो मतलब वो जो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं उसके सामने दो स्क्रीन होनी चाहिए आपके सामने, एक तो जी बिजनेस की भी जरूरत है जी, मोबाइल में ट्रेड होना मतलब वही, एक तो जी बिजनेस की स्क्रीन जी आपके सामने होनी चाहिए और दूसरी ट्रेडिंग स्क्रीन, तब जाके कुणाल जी बंसल जी की। बट अनिल जी यहाँ थोड़ा सा डिफर करूंगा, आपने कुणाल जी पे दबाव डाल के छोटा स्टॉप लॉस लिया है, मैं ये राय दूंगा 1235 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए अक्टूबर सीरीज में, इससे छोटा स्टॉप लॉस लगाना अकलमंदी नहीं हो। ठीक है स्टॉप लॉस बदल देते हैं, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि मैं आप पे दबाव बनाने में सफल हुआ। नहीं हमारा स्टॉप लॉस अनिल जी 1205 का जो मैंने स्टॉप लॉस दिया वो उनके लिए है जिन्होंने 1200 पर शॉर्ट किया आज ही के लिए इंट्राडे, और जिनको 20 रुपए आ रहे हैं उनको प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने के लिए 1205। ये भी ठीक है, चलिए इंट्राडे में तो 1205 स्टॉप लॉस, बाकी 1235 कर लीजिए, बने रहिए। टायर शेयरों में सुबह बढ़िया तेजी हुई, कस्टम ड्यूटी भी बढ़ी। आशुतोष ये इसको तो छोड़िए, चलिए टायर भी है बाकी सारे भी, कई सारे प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी उससे कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन सारे के सारे फिसल गए, क्या ये मार्केट का असर है? क्योंकि ये तो पहले किसी को पता नहीं था कि ये आ रहा है, तो फिर ये सारे गिरे क्यों मुझे ये बताइए। बिल्कुल अनिल जी ये मार्केट का असर है, गेहूं के साथ धुन भी पिस रहा है, अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर आप आज और कल या पिछले 2-3 दिनों का अभी कोई भी लॉजिक लगाने जाएंगे किसी स्टॉक में आपको वो आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड नहीं है सर, इस वक्त पैनिक बेस्ड है, मार्जिन कॉलिंग है, लॉस को सेट ऑफ करने के लिए कुछ, मैं वो कहते हैं ना कि वो घर की चांदी बिकती है जब लॉस होता है, तो उस तरह से ये चीजें होंगी, इसलिए मैंने बोला सर बहुत सारे। और आज का जो लोएस्ट डिप आएगा अगर आता है, जो उसका मुझे एक्सपेक्टेड है कि बहुत सारे स्टॉक्स के अनाप शनाप भाव भी आ सकते हैं 3 से 3:30 बजे, तो एक मौका भी होगा कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदने का, वो है क्योंकि वो टेम्परेरी बाउंस जरूर मार्केट में दिखेगा और कुछ अच्छे स्टॉक्स में ही दिखेगा, ओवरऑल में नहीं दिखेगा। तो अभी कोई लॉजिक नहीं है कि इनमें क्यों गिरावट हुई है, क्योंकि अभी तो अनिल जी के जो ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी के भाव देखो सर, मैं तो कुणाल जी और राकेश जी को कहता हूँ छोटे स्टॉप लॉस दे रहे हैं, बड़े स्टॉप लॉस और इतने बड़े टारगेट थे। आप 470 वाला रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर 300 रुपए, 450 रुपए वाला रिलायंस कैपिटल 300 रुपए, यस बैंक, एनबीएफसी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा सर, मेरा फेवरेट एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस जो मैं बोलता था कि क्यों नहीं बोलते सर, 125 रुपए, इतने बड़े बड़े सर फॉल है। मैं तो बोल रहा हूँ कि कुणाल जी और राकेश जी को तो बिल्कुल इस बार जैकपॉट हिट करना चाहिए था सर, लंबे लंबे टारगेट देखे। ये मजेदार है, मुझे ठीक लग रहा है। नहीं अनिल जी इन्होंने बोला बड़े बड़े स्टॉप लॉस देते हैं, यहाँ तो आप 100 लेके बैठे हैं, बड़े स्टॉप लॉस को छोटा ऐसे कराते हैं आप। बड़ा टारगेट बड़ा चाहिए, स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। आशु सर ये तो आपके नाम पे है ना, वापस मेरी इधर ही तोप का मुंह घुमा रहे हैं। देखिए तो क्या इनको बड़े स्टॉप लॉस अलाउ कर दूं क्या सर? ये
नहीं नहीं सर, मुझे लगता है कि सर इनमें इतनी स्किल है ऑनेस्टली, पोजिशनल टारगेट होना चाहिए सर। ये ऑनेस्टली अगर आप ये देखें, जो अभी इन्होंने प्रैक्टिकल बात बोली कि जब तक ये आपसे बात कर रहे हैं उतनी देर में, सर मोबाइल ट्रेडिंग भी चाहे कुणाल एग्जांपल दे रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं हो पाती। Correct. सर कॉल तो दी हुई थी, जैसे हमने 15-20 दिन से दे रखी थी कि वन साइडेड बेचना है, ये एक्सपायरी खराब है बेचना है। सर उसने जिस आदमी ने भी जिस टाइम पे भाव पे बेचा, कोई स्टॉक जो हमने बताए, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो, एडीएजी ग्रुप हो या एनबीएफसी हो, कुछ भी सर तसल्ली से मिले। तो जब इतनी कन्विक्शन ट्रेड होती है तो सर उसमें कोई अभी बेचे, एक घंटे बाद बेचे, शाम को बेचे, कल बेचे, सबको टाइम मिलना चाहिए। यही बेस्ट कॉल होती है कि जब आदमी तसल्ली से पैसे बना सकता है। इतनी फास्ट ट्रेडिंग जैसे कुणाल ने कहा सर, वो बहुत ही प्रोप्राइटरी बेस्ड ट्रेडर जो होते हैं वो बहुत लोग कम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब ये जी बिजनेस आपका चैनल सर इतना दुनिया देखती है या कोई भी चैनल है, तो कॉल ऐसी होनी चाहिए कि तसल्ली से क्लाइंट एग्जीक्यूट कर सके और उसको उसमें पैसे बना सके। चलिए ठीक है, अभी आशु सर ने बोल दिया, अब आपको तसल्ली से पैसे बनाने वाले कॉल दें, अलाउड है, आराम से दीजिए, लंबे लंबे स्टॉप लॉस, लंबे लंबे टारगेट आने चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं देखिए। कोई दुकान होती है, सुपरमार्केट होता है, उसमें हर तरह की जरूरत के लिए चीज होनी चाहिए। तो इंट्राडे ट्रेडर के लिए शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म छोटे छोटे स्टॉप लॉस, और जो आशु जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हम लोग पोजीशन देते हैं और माल के रिजल्ट देते हैं। आईआरबी, बीएमएल, जीएसएफसी, सीएट, एक और आएगा, एक और आएगा आज ही दिन में, पोजीशनली आएगा। अच्छा, इंट्राडे तो अनिल जी अलग से बोल के देते हैं। ठीक है, चलो हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है, सब चीज़ मिलेगी, जिसको जो चाहिए वो लेके जाओ भाई, जिसको तुरंत तुरंत वाली ट्रेड करनी वो भी है, जिसको इन्वेस्टमेंट करना वो भी है, ये सारा कुछ है। तो ये पूरा का पूरा है मामला आज की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ खबरों वाले शेयरों पे बात कर ली जाए जहाँ कल एक्शन रहने वाला है। रेडिंगटन, इसका बायबैक कल से खुलेगा, 125 रुपये के दाम पर बायबैक कर रही है कंपनी और 139 करोड़ का है। तो हम किसने बोला था, हम हमारी बात हुई थी कि जिस दिन बायबैक का ऐलान हो भाई अभी टॉप बन गया, 110-112 कुछ था भाव, हम लोगों ने बात की थी और उस समय इसका दाम था 115 रुपए, मुझे अच्छे से 115 बराबर। और उस समय एप्पल फोन भी लॉन्च हुआ था नया वाला एक्सेस, करेक्ट, और उस समय हमने कहा था कि फोन भी लॉन्च हो गया और इसकी खबर भी अब आम हो गई है, तो अब इसमें जो होना था हो चुका है, 115 के ऊपर जाएगा नहीं, वहां से देखिए किस तरह गिरा। ओके, 4 रुपए नीचे कर रहा है रेडिंगटन का स्टॉक ट्रेड। और कुछ ही देर में आपके लिए आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आखिरी घंटे की रणनीति, उससे पहले एक बार देख लेते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों को जिनमें निचले स्तरों से दिखी है रिकवरी। एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों में ही 1.25% की मजबूती और दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहे हैं ट्रेड। एचपीबीपी के चार्ट एक बार देखिए शुभम, और वायदा का डेटा भी, और बताइए जो ये रिकवरी बनी है, दिन के ऊपरी स्तर दिख रहे हैं, इसके बाद कोई मौका है क्या पोजिशन कैरी करने का या फिर अवॉइड करें? दीपाली, अगर एचपी, बीपी, आईओसी तीनों को ही देखें तो उसमें तीनों में सिर्फ एक ही स्टॉक रिलेटिवली मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड है, जहां पे एक पुलबैक की उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है, और वो होगा हिंद पेट्रो का। तो यहां पे जिस तरह का मोमेंटम बना है, मुझे याद है कि इसमें हमने पहले भी बात किया था एक दो दिन पहले, बट वहां से एक अच्छा खासा वहां से एक पुलबैक देखने को मिला है। मुझे लगता है ये पुलबैक 260 रुपए तक एक्सटेंड होना चाहिए, तो कोई बहुत बड़ा अपसाइड नहीं है, बट ट्रेडर्स के लिए 9-10 रुपए का अपसाइड यहां से बिल्कुल मुझे लगता है कि बन सकता है। 247 का स्टॉप लॉस होगा, 260 का टारगेट, तो ये एक ट्रेड मुझे लगता है एचपीसीएल में लिया जा सकता है। हालांकि वही अगर हम दूसरा साइड देखें तो बीपीसीएल और आईओसी, ये रिलेटिवली मुझे लगता है कि एक ऑस्किलेटिंग बैंड में जा चुका है, तो यहाँ मूवमेंट आने का उम्मीद थोड़ा कम है, बट एचपीसीएल ये पॉजिटिव है, 8-9 रुपए के अपसाइड के लिए खरीदा जा सकता है। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों ही दिन के ऊपरी स्तरों पर अभी कर रहे हैं ट्रेड, लेकिन 10-12 रुपए का अपसाइड एचपीसीएल में मिल सकता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को अभी देखें तो दिन के निचले स्तरों पर ये दोनों ही इंडेक्स आ चुके हैं, लेकिन आखिरी एक घंटे में ट्रेड का मौका कहाँ है ये अब से कुछ ही देर में जानेंगे और बताएंगे आपको सटीक रणनीति। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक पर और आ ले लेते हैं, कुणाल जी आप इस पर अपना व्यू दीजिए, वो है गोदरेज कंज्यूमर का। स्टॉक में 1% के आसपास का उछाल दिख रहा है और दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। इंटरेस्टिंग यह है कि इसका ओपन इंटरेस्ट 34% बढ़ा हुआ है। क्या रहा है दीपाली, क्या है कि करेक्शन काफी बड़ा आया, जैसे अगर आपको याद हो कि जब इसमें बोनस की खबर आई थी उस समय इसमें एक ब्रेकडाउन आया चार्ट्स पर, और उसके बाद इसमें लगभग 100 रुपए की गिरावट आ गई। मुझे लगता है एक पुल बैक एक्शन है, तो अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, कोई कंपेलिंग रीजन नहीं है कि तुरंत इन स्तरों पर बाय करें, लेकिन जिनके पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है उन्हें होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मेरी कोई राय नहीं है फिलहाल खरीदने की। तो ये राय है गोदरेज कंज्यूमर पर, नई खरीदारी आपको नहीं करनी है। हालांकि स्टॉक लगातार गिरने के बाद थोड़ा रिकवर आज के सत्र में हो रहा है। एक और स्टॉक है जो राकेश जी और
कुणाल जी के रडार पर आ रहा है, तो जान लेते हैं कि कौन सा है वो शेयर। रुक करते हैं चार्ट कॉर्नर का। बताइए राकेश जी। दीपाली जी, स्टॉक है SRF, अक्टूबर फ्यूचर चल रहा है 1840-45। यहाँ पर बिकवाली की राय है, टेक्निकली क्लियर कट पैटर्न का डिस्टॉर्शन है। जो रैली इसके अंदर देखने को मिली थी वो खत्म हो गई है। एक तो इसने एक नेकलाइन को तोड़ा है अपना, दूसरा नेगेटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला है। अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो अक्टूबर सीरीज के अंदर 44% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, मैसिव शॉर्ट सेलिंग है। टेक्निकली तो ये स्टॉक 300 रुपए गिरने का पोटेंशियल रखता है, बट इतने लंबे टारगेट देना नहीं चाहेंगे, छोटे टारगेट ही देंगे। बिकवाली की राय है, ओवर टू कुणाल जी। देखिए, स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, एक पैटर्न यहाँ पर विकसित हुआ है जिसको ट्रिपल टॉप पैटर्न कहते हैं, ब्रेकडाउन आया है और मुझे लगता है कि काफी तेजी से काउंटर नीचे जा सकता है। तो 1750 इसके लिए पहला सपोर्ट लेवल है, मुझे लगता है 1750 तक फिसल सकता है। टारगेट 1820 पहला और 1800 दूसरा, ये दोनों लेवल्स इस सीरीज के फ्यूचर्स के हैं, और 1865 पर रखना है स्टॉप लॉस। अगली सीरीज के लिए स्टॉप लॉस 1884 का। 1820 आपने पहला टारगेट बताया, दूसरा टारगेट 1800 और स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? 1865 पर। अभी 1821 आ चुका है, ये अभी 20 में बिकवाली बढ़ती हुई दिखी है और अब 3.5% पहला टारगेट तुम्हारा आ गया, ऑलमोस्ट आ चुका है। हाँ, तो ये सलाह है SRF पर, जहाँ पर पहला लक्ष्य हासिल हुआ है, 1800 का दूसरा लक्ष्य और 1865 का आपको रखना है स्टॉप लॉस। तो ये है एक स्टॉक जहाँ पर बिकवाली की पोजिशंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपको क्या रणनीति बनानी है आखिरी के एक घंटे में, अब ये जान लेते हैं। रुक करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी का। तो पहले निफ्टी की बात करेंगे अनिल जी, और 10980 ये स्तर दिख रहा है, 11000 के ऊपर जाके टिकने की कोशिश की बीच में लेकिन सफल हुआ नहीं, तो अभी कैसा डेटा क्या? 11000 के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, और अगर 11000 के नीचे रहता है तो फिर यहाँ से 10900 तक की रिस्क खुल जाती है निफ्टी में। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि 11000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, पहली चीज़। तो आप उसके नीचे अगर जा रहे हैं तो जिन्होंने पुट बेचे हुए तेजी की पोजीशन बनाई हुई है वो रिस्क में है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अब 11000 के कॉल में भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बढ़ गया, कल खाली 15 लाख शेयर का था, आज 15 लाख शेयर कॉल और बिक गए, तो टोटल हो गए 30 लाख। तो 40 लाख पुट है, 30 लाख कॉल है, ऐसी सिचुएशन में आपके लिए 11000 के नीचे रहना खतरे से खाली नहीं है। और अगर दूसरी एक और चीज़ जो दिख रही है वो ये, निफ्टी में आपने शुरू में जो पहले एक घंटे में हाई बनाया उस हाई को वापस आपने पार ही नहीं किया, करेक्ट? मेरे ख्याल से ये 10980 का हाई पहले घंटे का ही होगा, लगभग पहले घंटे का, पहले घंटे सवा घंटे में जो बना है, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्लियर कट है कि आप धीरे धीरे नीचे ही सरक रहे हैं। तो 11000 के ऊपर टिके तो ही तेजी करने वालों का कॉन्फिडेंस आएगा। अब क्या वाकई में शॉर्ट करना चाहिए? कॉल लेना थोड़ा मुश्किल है एक्सपायरी की वजह से। मैं आपको लेवल दे सकता हूँ, पहला लेवल है 10950 जो हमने आज भी दिया था, लगभग वहीं पर पहुँच कर बाजार घूमा है, 10957। उसके नीचे अगर फिसलते हैं तो जो अहम सपोर्ट रेंज है 10875 से 10900, तो वो लगता नहीं कि आप आसानी से तोड़ेंगे, तो वहाँ पर आपको रुकना है। तो 10875 10900 अल्टीमेट सपोर्ट है, 10950 उसके पहले पहला सपोर्ट है, 11000 के ऊपर ताकत दिखेगी। लेकिन आप 11000 के ऊपर ताकत दिखा भी देंगे तो 11050 11075 मतलब 11100 के तो पार कर ही नहीं पाएंगे, वहाँ आके फिर से रुक जाएंगे। तो 11050 से लेकर 11100 की रेंज में आपको रुकना ही रुकना है। बस यही कि एक्सपायरी अगर आप 11000 के आसपास दे दें या थोड़ा ऊपर दे दें तो ठीक है, लेकिन अभी डेटा में कहीं कोई ऐसी खास रिकवरी के संकेत है नहीं जिससे कि कॉन्फिडेंस बढ़े। होगा तो सिर्फ एक ही वजह से, एक्सपायरी के दिन की शॉर्ट कवरिंग, अदरवाइज कोई संकेत नहीं दिखा। अगर संकेतों की बात जब हम करें तो दीपाली एक बार हमें देख लेना चाहिए कि आज एशिया में कहाँ क्लोजिंग हुई है और यूरोप कैसा है और अमेरिकी फ्यूचर कैसे ट्रेड करें। तो यूरोप तो आप देख लीजिए, मिला जुला सा कारोबार, इनफैक्ट थोड़ा कमजोरी का ही कहना चाहिए, और अमेरिका के फ्यूचर भी देख लेंगे, फिर रुपया भी देख लेंगे। अमेरिका के फ्यूचर में डाउ थोड़ा 42 पॉइंट नीचे है, थोड़ा हल्का सा नीचे, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक है, थोड़ा दबाव है। 3 दिनों से वहाँ अमेरिकी बाज़ार कमज़ोर तो हो ही रहे, आज फिर से थोड़ा कमज़ोर है। रुपया देखिए मजबूत खुलकर थोड़ा फिसला है, 5 पैसे के आसपास का नुकसान है। तो संकेत तो थोड़े कमजोर हैं, तो ऐसे में 11000 के ऊपर टिके तो ही सोचेंगे कि क्या करना है, अदरवाइज तो कमजोर ही है। बैंक निफ्टी ये 25000 के ऊपर है हालांकि, लेकिन 1.25% यानी 300 अंक लुढ़का हुआ है, और आप सुबह बता भी रहे थे कि कमजोर ज्यादा निफ्टी बैंक की है, और अगर बढ़ना है तो सपोर्ट यहीं से आना चाहिए, पर वो दिखा नहीं सपोर्ट।
सपोर्ट 25-200 का बड़ा आसानी से तोड़ दिया और ये समस्या है और वो पोजीशन अनवाइंड भी हो गई। लेकिन उसमें एक अच्छी बात है कि 25-200 पे अब पुट में ज़्यादा पोजीशन बची नहीं है दीपाली, तो वो एक अच्छा संकेत है। अब आपके लिए जो बैंक निफ्टी में जो मुझे दिख रहा है वो ये 24,900 से 25,000, ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत मजबूत सपोर्ट है। तो अभी जो रुझान दिख रहा है उससे ऐसा नहीं लग रहा कि आप उसके नीचे एक्सपायरी देंगे। 24,900-25,000 की रेंज में सपोर्ट ले लेगा और अभी तक तो ऐसा भी डेटा नहीं दिख रहा कि 25,000 के नीचे की एक्सपायरी हो। लेकिन वही है कि कमज़ोर है बाजार और एक एक लेवल को जब तोड़ते हैं तो थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। तो मेरे लिए सपोर्ट लेवल 25,000 का है, लगता है कि होल्ड होना चाहिए, लेकिन कोई बड़ी दमदार तेजी या रिकवरी की उम्मीद भी नहीं है। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपायरी के दिन ट्रेड ना करें आखिरी घंटे में तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो ये सलाह है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर। और शुभम की इनफैक्ट एक राय ले लेते हैं बैंक निफ्टी पर कि 300 अंकों की गिरावट के बाद मौजूदा स्तरों पर उन्होंने क्या कोई ट्रेड अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है, बताइए शुभम क्या व्यू है आपका? दीपाली आज तो जब नॉर्मली एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है और उसके बाद जाकर के जब एक्सपायरी होती है तो नॉर्मली एक्सपायरी के लास्ट हाफ में वोलेटिलिटी होना बहुत ऑब्वियस है बिकॉज पेंडिंग पोजिशन जो बाजार में है वो बहुत ज्यादा है और सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ चेंज इन ओआई पर है जो कि मुझे लगता है एक ओपन सीक्रेट के तौर पे काम करता है। तो नॉर्मली ऐसे बाजार में लास्ट में एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से कोई ट्रेड बैठा पाना मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट है। लेवल्स जिस तरह से चेंज हो रहे हैं मुझे लगता है दबाव बना हुआ है 25,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ तब तक मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई ट्रेड बनाना चाहिए। तो मेरी भी सलाह यही होगी कि ये चीज को समझना काफी जरूरी है कि मार्केट में पोजिशंस बहुत हैवी है और दोनों ही साइड वोलेटिलिटी और मूवमेंट काफी बड़ा होगा तो अवॉइड करें तो ज्यादा बेटर है। बट फिर भी अगर ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी में तो 25,100 के पार निकलता है अगर उसके बाद ही ट्रेड बनाने की सलाह होगी। तो ये सलाह है निफ्टी बैंक पर जो अब 332 अंक कमजोर होकर ट्रेड हो रहा है। लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि कमजोर बाजार में भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं या फिर बढ़त के साथ जहां पर हो रहा है कारोबार। बंधन बैंक इसको एक बार देखते हैं, दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अर्निंग्स भी आने हैं बंधन बैंक के। अभी पूजा बता भी नहीं थी कि जो नतीजों का आगाज होगा उसमें बंधन बैंक भी है, 10 अक्टूबर को इनफैक्ट इसके नतीजे आएंगे। पिछले नतीजे जो थे वो काफी दमदार आए थे। लेकिन चार्ट्स पर एक राय ले लेते हैं, कुणाल जी बताइए अपना व्यू बंधन बैंक पर। देखिए दीपाली, जितना डेटा हमारे पास है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 540 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, वहीं से इसमें एक डबल बॉटम पैटर्न आज बनता हुआ दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है 600 तक एक बार के लिए इसमें पुलबैक में जा सकता है। पोस्ट रिजल्ट्स जरूर आप इसमें बड़ी रैली देख सकते हैं। तो मुझे लगता है बंधन बैंक में खोने के लिए कुछ खास नहीं है, 540 का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर की ओर मुझे लगता है 620 पहला टारगेट होना चाहिए। 620 के पहले टारगेट के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी बंधन बैंक में। कमजोर बाजार में एकमात्र मजबूत शेयर आपको नजर आएगा और एक और मजबूत स्पेस है कमजोर बाजार में, वो है आईटी शेयरों की। आईटी शेयर क्या रुपए की कमजोरी की वजह से बढ़ रहे हैं या डिफेंसिव होने के नाते बढ़ रहे हैं और क्या यहाँ पैसा लगाना चाहिए या आगे पीछे ये भी टूटेंगे? आशु सर क्या है आपकी राय और अगर कोई स्टॉक आपको खरीदारी या बिकवाली के लिए आज से पसंद हो तो वो बताइए। नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिर्फ आईटी और फार्मा एक सेफ हेवन है इस मार्केट में, टेम्परेरीली वो नज़र आ रहा है और मैं बार बार कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि ये जो रुपए की गिरावट है ये सेंटिमेंटल इफेक्ट है और जो एक्चुअल इफेक्ट है वो बैलेंस शीट्स में इस तरह से नज़र नहीं आता। सारी कंपनीज हेज रहती हैं, आगे के ऑर्डर्स जो आते हैं वो रीनेगोशिएट होते हैं, जो डिप्रिसिएशन होती है उसके हिसाब से। तो अभी के लिए क्योंकि ये फाइनेंशियल्स और जो अभी मेल्टडाउन हो रहा है अनिल जी उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्टेड नहीं है, इसलिए टेम्परेरीली ये टिके हुए हैं और टिके रह सकते हैं और नीचे से थोड़ा सा ऊपर भी रह सकते हैं, बट इसमें नया ट्रेड नहीं करना चाहिए रुपए के चलते। और अनिल जी येस बैंक को देख लीजिए, आज का एक नया लो बन गया है और मुझे लगता है कि 200 रुपए भी ना तोड़ दे। 200 मैंने तो बोला था बंसल जी को तुरंत अभी भी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आशु सर का भी, और गलत हो भी जाओगे तो आशु सर का नाम ले लेंगे अपने। लेकिन आपने बिल्कुल चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये भी बात सही है 6-7% गिरने के बाद हिम्मत चाहिए शॉर्ट कॉल देने के। हमारा पहला लक्ष्य एसआरएफ में अब हासिल हो गया तो उस पर सील तो लगवा दीजिए। SRF से? जी। अच्छा, 1820 का 1805 का आपका होने वाला है, दूसरे में 5 रुपए की गुंजाइश है हो जाएगा।
एसआरएफ से ज्यादा है, एसआरआई इन्फ्रा भी ज्यादा है। अरे यार हम 44 सत्र में बोले 4400, ये 14 की तरफ से नहीं बढ़ रहा। मैंने जी, मैं और राकेश जी एसआरआई इन्फ्रा की चर्चा कर रहे थे और जिस तरह का ब्रेकडाउन इसमें आया, कई बार हम लोगों ने इसकी बात की और हमने कहा कि इस काउंटर में जो गिरावट है इसको कितना भी नीचे ले जा सकते हैं, और इस बार जब इससे तो मैंने तो कंपेयर ही आरकॉम से किया था कि आरकॉम 14 रुपए, 44 रुपए, 30 रुपए का ही फर्क बचा है, बस सिर्फ 30 रुपए का फर्क बचा है। माय गॉड, कुछ कुछ शेयर तो ऐसे गिर रहे हैं। क्या कोई खास वजह दिखती है आशुतोष आपको एसआरआई इंफ्रा के गिरने की? नहीं सर, कोई वजह नहीं है। अब तो ये मेल्टडाउन ऐसा हो गया, जो वीक स्टॉक्स थे ना उनका तो ये आइडिया एश्रे इंफ्रा और ये सब, इनमें इनमें सर अब कोई किसी भी तरह करिए, और लोग अभी भी सर ये क्या येस बैंक और डीएचएफएल और ये सब के बाद भी, इतने गिरावट के बाद भी जब पहली गिरावट आई। अनिल जी मैं आपको बहुत एक अप्रिशिएट करता हूँ जो आपने पीसी ज्वेलर वाले पैटर्न से एग्जांपल से उसको कोरिलेट किया था डीएचएफएल को, और येस बैंक भी वैसा ही केस है सर बिल्कुल, क्योंकि आप 230 में, तो जिसने 330 में लिया है या जिसने 300 का भाव देखा है पहली गिरावट में, तो सबको लगता है कि जैसे फ्री में स्टॉक मिल रहा है, ये रियलाइज नहीं करते कि आई क्यों है, ये 50% घटा क्यों है, ये 40% स्टॉक घटा क्यों है, बिल्कुल हवा में नहीं घटता, वही होता है थोड़ा सा बाउंस बैक होता है, और वो जो बाउंस बैक है चाहे वो मार्केट में या स्टॉक्स में आया है उसको हम सकर रैली कहते हैं, और मैं बोल रहा हूं वो सकर रैली थी, और उसमें और लोग फंस रहे हैं, लोग नया निवेश करके आ रहे हैं कि शायद ऊपर वाला तो समझदार नहीं था, मैं ज्यादा समझदार हूं कि नीचे के भाव पे ले रहा हूं, नॉट रियलाइजिंग कि इससे नीचे के भाव भी आराम से बन सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर कुछ स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि एक लंबा लोग फंस सकते हैं, और वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है अनिल जी, बट क्या कर सकते हैं। अच्छा आज सुबह आप थे नहीं, हमने आपको बड़ा मिस किया एक्चुअली, हम डीएचएफएल पे चर्चा कर रहे थे और वही बात हो रही थी भी कि इसका प्राइस पैटर्न भी वैसा ही दिखता है जैसा किसी ज़माने में पीसी ज्वेलर्स और वक्रांगी का हुआ करता था, एक बार बहुत तेज़ गिरे एक दिन में 50-60%, फिर दूसरे दिन 20-30% रिकवर हुए, ऐसा लगे कि सब ठीक हो गया, और फिर वापस गिर के वो पुराने लेवल जो तोड़े फिर उसके बाद उठते ही नहीं। डीएचएफएल पे आपकी राय क्या है, इस वक्त 300 रुपये में लेना चाहिए बेचना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए अनिल जी, देखिए अगर अब लेना है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ डेंट जरूर आया, मैंने आपको पिछले 3 दिन पहले भी कहा था अगर स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं तो स्ट्रक्चरल डेंट पड़ चुका है मार्केट में भी और बहुत सारे स्टॉक्स में, लेकिन बेचने की प्रॉब्लम है, अगर आप बेचेंगे जिसने 600 रुपये देखा हुआ है आप कितना स्टॉप लॉस रखेंगे, 20-25 रुपये 30 रुपये भी बढ़ जाएगा आपको लगेगा सौदा गलत हो गया, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रेड करना सर, तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। दूर रहने की सलाह है दीवान हाउसिंग फाइनेंस से, और स्टॉक अभी भी 7 रुपये नीचे कर रहा है ट्रेड। लेकिन एक स्टॉक जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तेजी बनी है उस पर राय लेते हैं, और वो है केईसी इंटरनेशनल का, और अभी ये 3.5% ऊपर आ चुका है और 294 पर कर रहा है ट्रेड। पिछले कुछ मिनटों के दौरान ही थोड़ा सा एक्शन इसमें बढ़ता हुआ दिखा है। एबा कुणाल जी आप देखिए और बताइए क्या करें लेवल्स पर अगर किसी के पास हो तो। देखिए अगर पोजीशन पहले की है तो मुझे लगता है दीपाली होल्ड करना चाहिए, सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है, 285 पर सपोर्ट है और 294 का भाव है, तो मुझे लगता है होल्ड करें, थोड़ा वक्त दें इस काउंटर में, जैसे बाजार संभलेगा 320 के लेवल्स दोबारा लौटाएंगे, तो होल्ड करने की राय है 280 पर एक स्टॉप लॉस। 280 पर रखें स्टॉप लॉस, पोजीशंस को अपनी करें होल्ड। अदानी एंटरप्राइजेस इसको भी देख लेते हैं, यहाँ भी एक्शन बना है और 140-141 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है 4-4.5 रुपये की मजबूती के साथ, इस पर भी आप ही व्यू दे दीजिए कुरान। देखिए अडानी एंटरप्राइजेस पूरी सीरीज में बहुत वॉलेटाइल रहा है दीपाली, और बहुत डिफिकल्ट रहा है इसको ट्रेड करना, लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि 135 रुपये का एक बड़ा सपोर्ट है जिसको इसने वायलेट नहीं किया, बाजार में खासी गिरावट आई उसके बावजूद भी अडानी एंटरप्राइजेस होल्ड कर रहा है, तो इसका स्टांस पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जैसे ही ये मोमेंटम इसमें वापस बनेगा ये काउंटर वापस से 155 के लेवल्स दिखा सकता है, 155 के लेवल वापस से आ सकते हैं। एक और स्टॉक जो मेरे ख्याल से जहाँ से चला था वहीं वापस पहुँच गया, IDBI बैंक। बंसल जी का कौन सा बोलना चाहिए, बंसल जी आपका बड़ा ग्रिप है इस शेयर पे, 58-60 में आप बोलते थे बेच दो, बिल्कुल चालू भी 48 से ही हुआ था, चालू भी यहीं से हुआ था, अब वापस लेना है फिर 48 में? नहीं अनिल जी बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं। नहीं नहीं इसको तो ये तो अनिल जी पता है क्या, टच मी नॉट है। अच्छा नहीं मुझे लगा लुक मी नॉट। नहीं नहीं टच मी नॉट, देख तो सकते हैं ना भाव इसका, भाव देख रहे अनिल जी कुछ नहीं, टच मी नॉट है, लेकिन क्योंकि आप जैसे इसको टच करेंगे, ऐसा शेयर है जिसका भाव आज से 13 साल पहले भी यही था और आज 13 सालों में IDBI ज्यों का त्यों है, तो कितना कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, आप देखो गिरा भी नहीं गिरा भी नहीं, ये बात सही है गिरा भी नहीं, लेकिन इसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाया, बहुत 13 साल में अगर आपकी वेल्थ ना बने बिल्कुल स्टॉक मार्केट में तो फिर तो इससे घटिया क्या काम बात है। जैसे अभी कुणाल जी ने बोला ना, मैं किन्हीं को जानता हूँ
उन्होंने 13 साल पहले उनके पास दो ऑप्शन थे कि आईडीबीआई बैंक लें या वसंत विहार में मकान लें, तो उन्होंने गलत ऑप्शन चूज करा और अभी तक रिग्रेट कर रहे हैं। इस पे थोड़ी रोशनी डालेंगे आप इस क्योंकि वहां से एयरपोर्ट के लिए जैम नहीं मिलता है आपको। अच्छा अच्छा चलिए ओके समझ में आया, ठीक बात है। आइए एक और कुणाल जी के पसंदीदा स्टॉक में बड़ी गिरावट हो रही है, वो है पिरामल PEL। कोई नहीं बचेगा सर, देखो तो अब इसमें क्या करना है, कोई स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे? ट्रेडिंग वालों का तो खैर हो गई, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या करना चाहिए? देखिए ट्रेडिंग वालों के लिए तो अनिल जी स्टॉप लॉस पहले ट्रिगर हो चुके हैं और ट्रेडिंग की कॉल हमने कभी भी पिरामल पे नहीं दी, हमने हमेशा इसमें खरीदारी लंबी अवधि से मध्यम अवधि के लिए इसमें सुझाई थी और ये मेरे अपने निजी पोर्टफोलियो में भी है। सबसे पहले देखिए इसके लिए एक बड़ा सपोर्ट है, वो 2330-40 के आसपास है, मैं ये फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूँ, और 2350-40 के आसपास इसमें जो सपोर्ट है ये इसके लिए बहुत अहमियत रखता है। तो अगर ये मोटा मोटी इन लेवल्स को होल्ड करता है तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है उनको होल्ड करना चाहिए। इसमें जैसे ही बाजार संभलेगा एनबीएफसी के लिए हालात वापस से बेहतर होंगे, इस काउंटर में दोबारा आपको उछाल देखने को मिलेगा। 2700 के आसपास मुझे लगता है जिनके पास पोजीशन है एक बार के लिए निकल जाएं, 2700 पर अब अगला रेजिस्टेंस है। तो ये रहा है पिरामल एंटरप्राइजेस पर, लेकिन यूनाइटेड ब्रिवरीज इस पर भी एक राय ले लेते हैं। दो दिनों में अच्छा चला ये स्टॉक और आज भी 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड और 1433 वापस इन लेवल्स पर ये पहुंच चुका है। शुभम एक बार व्यू दीजिए अपना यूनाइटेड ब्रिवरीज पर, तीसरा दिन है लगातार तेजी के एक्शन का, क्या करें यहाँ पर, मुनाफा ले लें या फिर रखें होल्ड? दीपाली यहाँ पे इनफैक्ट मैं पिछले दो दिनों से आपके चैनल पे इसमें ऑप्शंस में खरीदारी के राय भी दे रहा था और सभी दोनों कॉल का इनफैक्ट टारगेट भी अचीव हो चुका है और बट वो ऑप्शंस की रणनीति थी। अगर हम कैश में बात कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए तो मुझे लगता है काफी बेटर प्लेस्ड है ये स्टॉक। इतना मार्केट में दबाव बनने के बाद भी यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पुलबैक देखने को मिला, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हुआ और तुरंत से फिर ये स्टॉक चलना शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है थोड़ी लंबी अवधि के लिए अगर निवेश का पर्सपेक्टिव हो तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बाई पोजिशन बनाने की मैं सलाह दूंगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा चल चुका है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव से बिल्कुल यहाँ पे खरीदना चाहिए। मुझे लगता है 1540 से 1550 ये इसका नेक्स्ट टारगेट है जो कुछ में भी 2 से 3 हफ्ते में देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस होगा 1350 का। तो एक पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेने की सलाह है, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से चल चुका है तो रिवॉर्ड तो फेवरेबल नहीं है बट पोर्टफोलियो में बिल्कुल खरीदना चाहिए। तो ये रहा है यूनाइटेड ब्रिवरीज पर, 1434 पर ही कर रहा है ट्रेड। आईटी एकमात्र ऐसा इंडेक्स है जहां पर हल्की हल्की खरीदारी हो रही है और स्टॉक्स ढेर सारे हैं जो कि हरे निशान में कर रहे हैं ट्रेड। एक स्टॉक जिस पर हमने कुछ दिन पहले भी, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ही कुणाल का व्यू भी लिया था, वो है जेंसर टेक्नोलॉजीज। आज फिर से 4.5% मजबूत है और 293 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। TCS ये 2% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। HCL टेक भी 1% मजबूत है। कुणाल कोई नया ट्रेड लेना हो अगर कल के लिए या फिर अगले 1-2 दिनों के लिए आईटी में, तो कोई स्टॉक लग रहा है ऐसा जहां पर खरीदारी की जा सकती हो? देखिए एकमात्र स्टॉक जिसमें कि कुछ तेजी दिख रही है दीपाली वो है TCS, जिसमें कि लगातार हम तेजी देख रहे हैं। आज भी आप देखिए डे हाई पे ट्रेड हो रहा है तो मुझे लगता है TCS से जरूर आप उम्मीद रख सकते हैं कि कल भी इस पे तेजी बनेगी, 2213 तक के लेवल्स आ सकते हैं। तो TCS एकमात्र काउंटर है जिस पर बैठ किया जा सकता है। TCS मजबूत है, 2200 जो अच्छी चीज है वो अच्छी है ही और मजबूत भी है। कमजोर शेयरों में एक और है वो है उज्जीवन, जो आप लोगों ने एकदम सही वक्त पर बताया, बहुत गंदे तरीके से बोला इसके लिए बेचने के लिए और उसी गंदे तरीके से गिर भी रहा है। आ गया 6.5% क्या करना चाहिए बताइए कुणाल जी। अरे जी हमारे बोलने के बाद ये लगभग 13% नीचे है, 300 के आसपास बिकवाली की राय दी थी और तब हमने कहा था कि सबसे कमज़ोर चार्ट जो है वो जीवन का, और मैं अभी भी मानता हूँ कि इस सप्ताह का जो बंद हो रहा है, जो वीकेंड का वीक का क्लोज है उस पर इसमें एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ है तो जीवन में और नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि बिल्कुल खरीदारी की चेष्टा नहीं करनी चाहिए और जो थोड़ा शॉर्ट्स को रोल ओवर कर सकते हैं उनको लगता है जीवन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस अब 275 रुपये पर रखें, होल्ड करें शॉर्ट की पोजीशन। आशु ये 5 अक्टूबर से नतीजों की शुरुआत हो जाएगी और बड़े अर्निंग्स तो 16 अक्टूबर को आएंगे जब इन्फोसिस और हीरो मोटोकॉर्प अपने नतीजे करेंगे पेश, लेकिन इस बार के अर्निंग सीजन से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? दीपाली अभी कोई एक्सपेक्टेशंस और मार्केट का ना कोरिलेशन कुछ टाइम तक चलेगा नहीं है,
नतीजे तो कुछ आ जाएंगे, लेकिन मतलब उसका अभी कोई कोरिलेशन चलेगा नहीं दीपाली। तो अभी तो आरबीआई पॉलिसी है, उस पर देखना है, इस एक्सपायरी के रोल ओवर के बाद क्या होता है कि टिकता है मार्केट, कुछ रिकवरी आती है वो देखना है। सो आई थिंक नतीजे तो अभी लंबी बात है दीपाली मेरे हिसाब से। लेकिन 10983 ये लेवल देखा जा रहा है अपने निफ्टी पर। एक बार रुपए को और देखेंगे कि रुपए में दिखी है रिकवरी और अब थोड़ा सा मजबूत रुपया निचले स्तरों से हुआ। एक बार रुपी का अपडेट ले लेते हैं, 72.98 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है, 72.97, 4 पैसे की मजबूती। तो जितनी काफ़ी वॉल्टिलिटी आज रुपये में भी दिखी है ओपनिंग से लेकर अब तक, लेकिन अभी 4 पैसे की मजबूती के साथ ये कर रहा है ट्रेड। इंडियन होटल, इस पर एक राय ले लेते हैं क्योंकि कल एक होटल के लिए बिड करेंगे आईटीसी और इन होटल ताज मानसिंह के लिए बिड करेंगे ये खबर है। और आज एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पर 170 180 के टारगेट के साथ खरीदारी का व्यू भी था। स्टॉक 127 180 पर कर रहा है ट्रेड। कुणाल जी, आप राय दे दीजिए स्टॉक पर क्या करना चाहिए। देखिए, एक काउंटर ये ऐसा है दीपाली जिसने कि हमेशा से निराश किया और बहुत उम्मीदें लोगों ने रखी इस काउंटर से, लेकिन हमेशा हमने देखा है इंडियन होटल्स नीचे की तरफ ही जाता रहा या फिर कंसोलिडेट करता रहा। मुझे लगता है कि अब इसमें एक दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, इसमें भी एक करेक्शन हुआ है, करेक्शन के बाद इसका स्ट्रक्चर पहले की तुलना में बहुत सुधरा है। तो मुझे लगता है कि अगर मध्यम अवधि के आप निवेशक हैं, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स नहीं चाहते हैं, तो इंडियन होटल्स में निवेश करना चाहिए। थोड़ा स्लो मूविंग काउंटर है, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन अगर आप 122 पर एक स्टॉप लॉस रखें तो मुझे लगता है 150 तक के लेवल जाएंगे। इंडियन होटल्स वो स्टॉक चल रहे हैं जिनके नाम कम सुनने में आते हैं, लेकिन एक्शन धीमे धीमे थोड़ा होता दिख रहा है। एक और स्टॉक जो बढ़िया एक्शन में आया, थोड़ा उस पर राय लेते हैं, और वो है ब्रिटानिया। क्या खाली एक्सपायरी के दिन की शॉर्ट कवरिंग है या कुछ और है? शुभम जी, देखिए जरा इस स्टॉक को, और हरे निशान में आया है, आज के लो से करीबन करीबन 100 रुपये बढ़ा भी है और डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, क्या हो रहा है इसमें? अनिल जी, यहाँ पे मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी मूव ही है, बिकॉज 5800 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और उसके पार निकल पाना काफी डिफिकल्ट होगा। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि यहाँ पे हैवी शॉर्ट्स बने थे, तो आज का जो मूवमेंट है वो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी शॉर्ट कवरिंग है, और ये शॉर्ट कवरिंग कंप्लीट होने के बाद फिर से 5400 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो मेरे सलाह में यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज टेम्पररी मूव है, फिर से एक गिरावट होगी और गिरावट के बाद हम देख सकते हैं, अगर 5400 पे मिलता है तब खरीदा जा सकता है, बट करंट लेवल पे अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो करंट के लेवल पर अवॉइड करें, स्टॉक में थोड़ी सी एक्शन जरूर। लेकिन एक स्टॉक जो मैंने पहले भी बोला था कि ये कब एक्शन में आएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन एक चीज पता थी कि किस लेवल के नीचे एक्शन इसका हो जाएगा शुरू, और ऐसे हमने थोड़ी 10-15 मिनट बिगाड़े किसी अपने कीमती समय, आपके हमारे सभी दर्शकों के। DHFL 292 290 तोड़ दिया, 292 नंबर तोड़ दिया, अब इसका भगवान मालिक है। और जिस तरह से पिछले 5 मिनटों में गिरा है, ये आखिरी आधे घंटे के लिए बहुत ही खराब वाले संकेत दे रहा है। फटाफट से आपको आखिरी आधे घंटे के लेवल बतानी है कि आज ये, अब अगर किसी का ट्रेड है तो कहाँ कितना गिरना चाहिए। अनिल जी, अभी तो मुझे लगता है गिरावट की शुरुआत हुई है इसमें, और 300 पर अब एक स्टॉप लॉस रख लें नीचे की ओर। मुझे लगता है कि इसमें 280 जो लेवल हमने सवेरे सुझाया था वो तो आ गया, वो पहला लक्ष्य होगा, और 280 टूट जाने के बाद 260 रुपए के लेवल, 260 आ जाना चाहिए, कोई खास सपोर्ट है नहीं। अब 260 हो सकता है आज ना आए, वक्त बहुत कम बचा है, आएगा तो आज ही आ जाएगा, 260 आना चाहिए। अगर यस बैंक 8% गिर सकता है, यस बैंक अगर आशीष सर के बोलने के बाद, और देखिए इसको शुरू करा था आपने 300 रुपए के अराउंड, करेक्ट, और इसका उसके बाद बोलने के बाद जो इसका हाई गया 302.50 रुपए, 302.70 रुपए, और अभी जो गिरना शुरू हुआ 290, इसीलिए तो सर मैं सुबह आपको गिरा था 310-315 का ही लगा, मैंने तो एक्चुअल स्टॉप लॉस दिया था। बात तो सही, वैसे आपने भी इंट्राडे के लिए 305 ही दिया था ना? नहीं, हाँ, जिन्होंने उस समय शॉर्ट किया 325 रुपए, ओके। और दूसरा अनिल जी, इसमें वॉल्यूम अगर आप देखें ना जो गिरा है, अगर आप वॉल्यूम बार देखें तो घबराहट होगी कि इतना तुम नहीं देखते हैं, रेंडो नहीं दिखाना चाहिए जी, ये ग्राफ में अच्छा, वॉल्यूम मतलब भारी वॉल्यूम के साथ गिर रहा है, भारी वॉल्यूम के साथ गिर रहा है। वो कैसे पता चलेगा कितना बड़े बड़े अनिल जी डंडे दिखते हैं, अभी हमारे डिम्पी जी एक्सपर्ट नहीं है, नहीं तो वो दिखाते हैं आपको, बगल में बैठते हैं ना वो, तो कंप्यूटर मोड़ देते हैं, वो नीचे आ रहे हैं, देखो वॉल्यूम, ये देखो बड़ा एकदम से वॉल्यूम हुआ, एकदम वॉल्यूम हुआ, माय गॉड, ये तो गजब ही जा रहा है। 280 पहला टारगेट है ना जी, वो तो आपका तो फ्यूचर होता है, फ्यूचर 280 रुपए 20 पैसे फ्यूचर में लो है, सील लगवा दूं
सामूहिक सील लगवाई है नहीं सामूहिक तो बनी नहीं, सील तो खाली सील की फैसिलिटी तो आप ही लोगों को है, हमारी तो लगती नहीं कभी। अनिल जी अभी आप हमसे पूछ रहे थे ना कितना फास्ट कैसे गिरता है, देखिए जैसे ही आपने वहाँ वॉल्यूम का बार दिखाया ना 285 से 280 लगाया विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इंट्राडे ग्राफ पे दिखता है। नहीं वो तो फॉलोअर है अनिल जी। अरे वो नहीं, वो DHFL इसलिए गिर गया। चलिए नहीं, लेकिन इस स्टॉक में रहिए सावधान क्योंकि 280 टूटेगा तो 260 है। 260 ओके। और स्टॉप लॉस रिवाइज तो नहीं करना जिन्होंने बेचा, 300 ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के शेयर में ना आपको बहुत सचेत होकर के ट्रेड करना चाहिए क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज्यादा है, तो इसमें जब तक आपको थोड़ा एक्सपीरियंस ना हो ट्रेडिंग के इसको ट्रेड ना करें, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपनी कॉस्ट का स्टॉप लॉस रखें। हाँ, अंतिम पल है बाजार के, तो आप कॉस्ट का परफेक्ट है, आइडिया ठीक है, डन। 6% नीचे दीवान हाउसिंग का स्टॉक अप कर रहा है ट्रेड 286 के लेवल्स पर, लेकिन इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक भी लगातार टूट रहे हैं और आईबी हाउसिंग अब 7% 7.5% रुका हुआ है, आईबी रियल भी ऑलमोस्ट 10% नीचे कर रहा है ट्रेड। आशु आपका व्यू क्या है ये इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक पर, लगातार कमजोर हो रहे हैं ये शेयर्स भी? दीपाली सेम व्यू है, कोई चेंज नहीं है। अनिल जी मैं एक और चीज आपसे, एक डेटा आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नॉर्मल अगर आप पिछले दिनों में देखें, आई थिंक मैं कुणाल को भी बोलूंगा इसका भी थोड़ा सा एक बार रिसर्च करें कि जो नॉर्मल एवरेज डिलीवरी बाजार की होती थी वो 30,000 से 35,000 करोड़ की होती थी, और पिछले 5 दिन के अंदर वो 50,000 से 60,000 करोड़ की डिलीवरी हो रही है। सो आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रही है, स्ट्रॉन्गर हैंड्स या वीकर हैंड्स से और वीकर हैंड्स के हाथ में माल चला गया है, तो ये जो सारा सिचुएशन है ये बहुत ही मतलब डिस्टर्बिंग सिचुएशन है अनिल जी। तो अगर कोई बहुत ये मतलब बार्गेन हंटिंग भी काफ़ी 3-4 दिनों से लोगों के फ़ोन आते हैं कि इतना घट गया ले लेना चाहिए, तो अब अभी मैं कहता हूँ कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लेने के अंदर, क्योंकि जो डैमेज है और ये जो डेटा है ये काफ़ी डिफरेंट बता रहा है। 30 से 35 हज़ार करोड़ की डिलीवरी सर, 50 से 60 हज़ार करोड़ की डिलीवरी हो गई है पिछले 4-5 दिन में, तो काफ़ी डिलीवरी बेस्ड माल उतर रहा है, वीकर हैंड्स में जा रहा है, एंड दिस इज़ नॉट ए गुड सिचुएशन। तो ये रहा है इंडिया बुल्स ग्रुप के स्टॉक पर, लेकिन आईबी हाउसिंग इस पर कुणाल आप राय दीजिए, अब तो ये वापस 920 के आसपास 930 के आसपास ट्रेड कर रहा है, नीचे जा सकता है और भी? बिल्कुल जा सकता है दीपाली, देखिए इस पर हमने बहुत मौके पर जब 1100 रुपए के आसपास था उस समय हम लोगों ने कहा था कि इसको बेचिए, इसमें स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन है, काफी नीचे के लेवल्स आएंगे, एक सपोर्ट 850 पर दिखता है, एक दो बार उससे लौटा है, तो मुझे लगता है एक बार दोबारा 850 के लेवल्स को टेस्ट करने नीचे जाएगा, तो यहां पर भी स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना होगा, 980-990 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 850 के टारगेट से शॉर्ट करना चाहिए। तो ये राय है आईबी हाउसिंग पर जो कि 64 रुपए पर कर रहा है ट्रेड, लेकिन इन स्तरों से भी नीचे फिसलने की संभावना है, 934 के स्तर अभी देखे जा रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल, इसमें अगर किसी ने भी आज तेजी की पोजीशंस बनाई हैं तो क्या मुनाफा बुक कर ले बाजार के मूड को देखते हुए? शुभम क्या व्यू है आपका? दीपाली यहाँ पे जो मूव शुरू हुआ है मुझे लगता है 1075-1080 के आसपास तक लास्ट होना चाहिए, तो रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, बट थोड़ा यहाँ पे अपसाइड जो देखने को मिला था उसमें मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट अगर किसी ने किया है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है 1045 का, वो स्टॉप लॉस के साथ बने रह सके, बट 1080 से ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे अपसाइड देखने को मिलेगा, तो अगर किसी के पास पोजिशन है तो बने रहे, 20 रुपया का और अपसाइड है और 1045 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ओके, ये है अपोलो हॉस्पिटल। बहुत सारे ट्रेडर तो ये सोच रहे हैं हॉस्पिटल के शेयर ही सेफ हैं इस वक्त। फोर्टिस और अपोलो दोनों आज बड़े हुए हैं। ऐसे थोड़े बड़े हैं, कोई तो जा रहा होगा। हो सकता है पहले से ज्यादा लोग जा रहे हो, यू नेवर नो। एक चीज समझ नहीं आ रही, ये HPBP IOC क्यों बढ़े हुए? आशु सर आप समझा सकते हैं इनके बढ़ने की कोई वजह? नहीं सर कोई वजह नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ ये पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा मंदे में थे, बहुत जगह सब जगह सेल कॉल्स चल रही थी, तो ये कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मार्केट अंडर ओन्ड, इस एक्सपायरी के लिए अंडर ओन्ड सेक्टर था, इसीलिए आपने देखा होगा ONGC भी जो पिछले दिनों 2 दिन पहले सर्किट लग रहे थे नीचे में NBFC स्टॉक्स में, तो वो ऊपर था, तो वो क्लियर सिग्नल था कि ये सिचुएशन ऐसी है कि ये स्टॉक्स इस एक्सपायरी में किसी के पास नहीं है, तो इनमें कोई मतलब अलग से गिरावट नहीं आएगी, बाकी स्टॉक्स में तो सर जैसे मैंने बोला कि। बट अनिल जी एक और भी चीज़ बताता हूँ, जितनी भी हमारी जो टेम्परेरी शॉर्ट पोजिशन हमने रिकमेंड की हुई है पिछले 3-4 दिन की, एज ए डिसिप्लिन जो आखिरी आधे घंटे की अभी एक्सपायरी है, मेरा एक बार सबसे कहना है कि वो कवर कर लेनी चाहिए, फ्रेश माइंड से फ्रेश तरीके
तरीके से, फ्रेश डेटा को अक्टूबर सीरीज में फिर देखेंगे, बट बहुत अच्छी एक्सपायरी मतलब शॉर्ट्स के लिए मिल रही है सब। किसी ने कोई भी स्टॉक में सर एक एक लॉट किसी भी स्टॉक का बेचा हो तो मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो एक क्लोजिंग में एक बार शॉर्ट पोजिशन सर खत्म करनी चाहिए। इतना अच्छा बोलते हैं आप, हम फालतू में ये सोचते हैं कि आप हमेशा खराब ही बोलते हो, इतनी बढ़िया बात बोली, सारी शॉर्ट कटवा दें सब एकदम जीरो शॉर्ट। बिल्कुल सर, ये इतना अच्छा मौका क्योंकि जब वो एक्सपायरी प्रेशर होता है तो सब कोई रेट मतलब ही नहीं होता, बहुत अच्छे मौके मिलेंगे सर, आप रिव्यू कर सकते हैं शॉर्ट में, अगर कल गैप अप हो गई नई एक्सपायरी में फिर लगेगा कि अच्छा आया हुआ प्रॉफिट हाथ से चला गया, लेकिन मुझे लगता है वो 10% लोगों के साथ होगा, 90% लोगों के साथ तो सर इस बार बहुत इंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली बुरा हुआ है, तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है सर अभी। देख लेते हैं ल्यूपिन को, क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद से इंडेक्स बाहर भी हो जाएगा और कमजोर तो हुआ था लेकिन निचले स्तरों से उतनी अच्छी रिकवरी भी दिखी है और अब हरे निशान में कर रहा है ट्रेड 892 के लेवल्स पर। शुभम, क्या राय है आपके ल्यूपिन पर? दीपाली, लुपिन में पुलबैक जरूर देखने को मिला है लेकिन इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है वो मुझे लगता है अब डाउनसाइड के तरफ है और ग्रेजुअली 850 या उसके नीचे का यहाँ पे प्राइस देखने को मिलना चाहिए, तो मुझे लगता है अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, करंट लेवल पे एक बार मुनाफा बांध के निकल जाना चाहिए, मैक्सिमम 910 उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है ये पुलबैक एक्सटेंड हो पाएगा, तो लॉन्ग पोजीशन से निकलने की सलाह होगी, 900 के ऊपर जाता है तो शॉर्ट भी बना सकते हैं, 912 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और ग्रेजुअली 850 की तरफ मुझे बढ़ता हुआ लगता है और ये लुपिन की मैं बात कर रहा हूँ फ्यूचर्स के लेवल। तो ये रहा है ल्यूपिन पर 850 तक के लक्ष्य के लिए बिकवाली की पोजीशंस बना सकते हैं, 912 का रखें स्टॉप लॉस, थोड़ा और रिकवर हो तो बिकवाली का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं। एक ग्लेनमार्क फार्मा को और देख लेते हैं क्योंकि इस पर भी आज एक खबर भी आई कि जो सिंगापुर लिस्टेड है वो FCCB के बायबैक पर विचार कर सकते हैं, ये खबर आई थी लेकिन स्टॉक सुस्त है 1.5% नीचे, ये भी ट्रेड कर रहा है। ग्रैन्यूल्स जो कि जहां पर नए F&O कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे ही नहीं 30 नवंबर के बाद, यानी वहां पर भी कमजोरी हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं और स्टॉक वो भी 2-3% की कमजोरी के साथ कर रहा है ट्रेड। कोई स्टॉक फार्मा में ऐसा लग रहा है कुणाल जी आपको जहां पर कोई ट्रेड लिया जा सकता हो आज बनाकर कल उस ट्रेड को कवर कर लें? देखिए कोई ऐसा कंपेलिंग ट्रेड नहीं है लेकिन टॉरेंट फार्मा एक काउंटर है दीपाली, जहां पर राउंडिंग टॉप पैटर्न इसके डेली चार्ट पर बन रहा है, यानी कि बिकवाली का सौदा बन सकता है, 1700 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें, मुझे लगता है 1650 तक फिसल जाएगा, 1650 टूटा तो 1600 तक भी जा सकता है, तो मेरी राय में अगर शॉर्ट करना है तो टॉरेंट फार्मा मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, टॉरेंट फार्मा में अब भी शॉर्ट पोजिशन बनाने की राय, और सही है जो कह रहे हैं इस वक्त आशीष सर की जिन जिन शेयरों में लोगों की पोजीशन ज़्यादा है वहीं पर ज़्यादा पैनिक दिख रहा है, श्रेय इंफ्रा सबने ले रखा है, यस बैंक सबने ले रखा है, आंध्रा बैंक, हाँ ये एक और स्टॉक है। अरे शुभम जी जरा इसके बारे में बताइए, आंध्रा बैंक और बलरामपुर चीनी इन दोनों शेयरों का आज आखिरी दिन है वायदा कारोबार में, कल से इनकी छुट्टी हो जाएगी, अगली सीरीज में है नहीं, क्या करना है इन दोनों शेयरों में जिनके पास है वो? अनिल जी, ये बहुत दुखद खबर है कि आंध्रा बैंक जैसा स्टॉक FNO के बाहर निकलेगा, बिकॉज मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट हुआ करता था शॉर्ट साइड पे और अब शॉर्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अभी भी यहाँ पे जो गिरावट है वो बना रहेगा, डाउनसाइड में 20 से 22 रुपए का लेवल ये आना चाहिए, बट बिकॉज वायदा कारोबार के बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे ट्रेडिंग तो हम कर नहीं पाएंगे, बट अगर किसी के पास है तो मुझे लगता है अभी भी अच्छा भाव है, निकल जाना चाहिए इन स्टॉक से, यहाँ पे अभी भी डाउनसाइड काफी बड़ा है। वही अगर हम बलरामपुर की बात करें, शुगर में बहुत बार मूवमेंट आया बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड यहाँ पे अभी भी नेगेटिव है और इसलिए मुझे बहुत कन्विक्शन है नहीं शुगर स्टॉक में कहीं पे पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि हर बार वहां पे एक विप्सो और फेलियर देखने के लिए मिलता है तो वहां पे भी अवॉइड की सलाह होगी। तो दोनों स्टॉक से ही आंध्रा बैंक और बलरामपुर चीनी से निकलने की राय होगी अगर पोर्टफोलियो में कोई भी होल्डिंग है तो। है ना आंध्रा बैंक का जो दुख है ना आपको, इस पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब है ना एक कहावत है पुरानी, बहुत पुरानी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को काटना नहीं चाहिए कभी, ये आपने शॉर्ट करके 25 रुपये कर दिया ना इसको, इस वजह से धीमे धीमे बेचते ना कभी बाहर नहीं निकलता। देखो इस पर एक चीज मैं भी कहना चाहता हूँ, देखिए इनको गम नहीं करना चाहिए, ये गया तो दूसरा आएगा और बहुत सारे ऐसे परपेचुअल शॉर्ट्स हैं मार्केट में, दूसरा पकड़ लेंगे, बहुत बताओ, सारे एक आध बताओ शुभम सरकारी, अरे अभी है अनिल जी, SRI इंफ्रा भी तो है अभी, थोड़ी रहे 33 रुपए है, 44-14 कहाँ हुआ अभी, और आज इसकी चर्चा आपने की DHFL, ये तो देखो DHFL तो ये वैसा है ना कि
जिसको बोलते हैं एक का दस वाला है जाएगा तो एक, आएगा तो दस, वैसा है, मतलब जाएंगे तो 25 रुपये, आएंगे तो 250 रुपये टाइप वाला मामला है। बट एनी वे, ट्रिपल ए रेटेड कंपनी, थोड़ा सम्मान देना चाहिए, शेयर का भाव और पैटर्न कुछ भी हो लेकिन रेटिंग तो ट्रिपल ए है ना, अभी तक है, बिल्कुल है। ओके अच्छा शुभम जी, आप ही बताइए अब क्या करेंगे आप, जो आपको फेवरेट शॉट निकली, अब फेवरेट शॉट कौन सा बनेगा ये बताइए। अनिल जी लिस्ट तो काफी लंबा है फेवरेट शॉट का, बट अगर करंट लेवल पे अगर फ्रेश ट्रेड इनिशिएट करना है, मुझे लगता है दो स्टॉक काफी लुक्रेटिव है। थोड़े दिन पहले मैंने सीएट की बात की थी, बट वहां पे तो दबाव ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, बट पीवीआर और बीएचईएल ये दो स्टॉक ऐसा है जहां पे करंट लेवल से भी मुझे लगता है 20-25% तक का डाउनसाइड देखने को मिलना चाहिए। तो ये दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे लगता है कि ये पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अब शॉर्ट साइड पे यहाँ पे ट्रेड बनता है। तो पीवीआर करंट लेवल पे भी बेचा जा सकता है, स्ट्रेट अवे बड़ा टारगेट 1060 का लेवल मुझे लगता है यहाँ पे आता हुआ दिखेगा, तो ये एक पहला शॉर्ट है। और बीएचईएल में मुझे लगता है कि जिस तरह से पुल बैक हुआ था वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अंदर जो टेम्पररी पुल बैक का स्ट्रक्चर था वो खत्म हो चुका है और मुझे लगता है ग्रेजुअली ये 50 रुपए की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये दोनों मेरे रडार पर है जो कि अब एक परपेचुअल शॉर्ट साइड में कैंडिडेट बन चुके हैं। दोनों ही स्टॉक करंट लेवल पे भी बेचने की सलाह होगी। ओके मतलब भेल और पीवीआर, भेल तो समझ में आता है, पीवीआर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आशु सर पीवीआर को सदाबहार शॉर्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं क्या? नहीं सर मैं नहीं रहूंगा सर। अनिल जी दूसरी चीज मेरे लिए वो कैटेगरी होती है शॉर्ट के लिए परपेचुअल शॉर्ट, जिसमें परपेचुअल लॉन्ग बुल भी फंस चुका है, तो पीवीआर में सर इस तरह की पार्टिसिपेशन मुझे नहीं दिखती है। उस कैटेगरी में मैं एनबीएफसी, एलएनटी, हाउसिंग फाइनेंस को डालना चाहूंगा, पीएनबी को डालना चाहूंगा कि हर बाउंस पे इनको बेचना चाहिए। तो अगर जैसे अगर आंध्रा बैंक जा रहा है तो पीएनबी है, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस है सर मेरा स्टॉक बेचने के लिए। भेल मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, लेकिन पीवीआर से इसलिए डिफर करता हूं सर क्योंकि वो ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल आम जनता को, क्योंकि आम पब्लिक क्या करती है सर, वो फंडामेंटल या वो उस तरह से नहीं देख के एब्सोल्यूट प्राइसिंग देखती है कि इससे नीचे क्या जाएगा जो सस्ता है। इसलिए मैं आइडिया आपको कभी भी लेने के लिए नहीं, 10 बार पूछते हैं मैं मना करता हूं नहीं लेना, किसी भाव पे नहीं लेना। तो ये जो इस तरह के होलसेल वाले स्टॉक्स होते हैं ना, मुझे लगता है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सोल्यूट प्राइसिंग, ऐसे शेयर परपेचुअल शॉर्ट करने चाहिए सर। तो मेरे को पीवीआर में वो कंफर्ट नहीं है, भेल में, पीएनबी में, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस में, इनमें ज्यादा है। एक चीज बताओ आप, ये एलएनटी जीएसएफसी में सर, एलएनटी हाउसिंग कौन सा है, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग, इससे इतना नाराज क्यों हूँ? नहीं नहीं सर नाराज नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये मेरे परपेचुअल शॉर्ट लिस्ट में है और ये 4,500 का लॉट है, तो डिम्पी की लैंग्वेज में इसमें 10-10 रुपए मिलते हैं और 45,000 रुपए आते हैं लोगों के सर। तो एलएनटी फाइनेंस 5% नीचे, हालांकि कल या परसों खबर भी आई थी हर्ष मारीवाला ने भी इनके कुछ एलएनटी फाइनेंस से कुछ स्टॉक्स खरीदे हैं, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं एलएनटी फाइनेंस के, 126 पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन शेयर्स कुछ और देखें जहां पर बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ है। उससे पहले मैं एक बार कुणाल जी, बंसल जी मेरे सवाल को डक कर गए आप, जो मैं बोल रहा था कोई सदाबहार शॉर्ट ढूंढो, आपने तो कौन सा बोला, श्री इंफ्रा, राकेश जी, हाँ डीजे, हाँ राकेश जी आपके पास कुछ नहीं? जी एक बड़ा अच्छा स्टॉक है सीजी पावर। अच्छा मतलब बढ़ेगा? नहीं अनिल जी शॉर्टिंग के लिए। ऐसा बताओ इसका रीजन अनिल जी, अभी तो ना धीरे धीरे करके गिर रहा था है ना, अभी एक वो होता है ना ऐसे जोर का झटका जोर से लगा, ये वो लगा झटका जोर से लगा, जोर से लगाएगा अभी देखिए जब एलएनटी फाइनेंस जैसा एक बढ़िया स्टॉक वो इस तरीके से आंसू निकाल सकता है, आंखों में पानी ला सकता है, मेरे को लगता है सीजी पावर 3-5 दिन के अनिल जी गिरेगा 10% स्टॉक, 3-5 दिन में 10%। अच्छा जरा शुभम जी आप भी देखिए 3-5 दिन अगली सीरीज के लिए शुभ मुहूर्त शुरुआत की जाए शॉर्ट के साथ सीजी पावर। अनिल जी सीजी पावर इनफैक्ट में 60-62 के लेवल से आपके चैनल पे कंसिस्टेंटली शॉर्ट का सलाह दे रहा था, 50 रुपए का पहला टारगेट रिकमेंडेशन था मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन में। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ, वो तो सिर्फ एक पहला टारगेट था 50 रुपए का, बट वो टेम्पररी सपोर्ट 50 रुपए का टूट चुका है और जिस तरह का इसमें फॉर्मेशन है मुझे लगता है ग्रेजुअली इसका जो नेक्स्ट टारगेट होता है
वो होता है 40 रुपए का, और अगर उसके नीचे फिसलता है तो हो सकता है और 5-7 रुपए वहां से और निकल जाए। तो मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा, सीजी पावर स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो यहाँ पे एटलीस्ट 40 रुपए, और अगर वो टूटता है तो 32 रुपए तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट है यहाँ पे भी सीजी पावर। तो शुभम भी मानते हैं कमजोरी स्टॉक हो सकता है और भी, और बिकवाली यहाँ से बढ़ सकती है। BTST ट्रेड कुणाल आप देना चाहते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, तो रुक करते हैं BTST का। बताइए कुणाल दीपाली, अभी हम परपेचुअल शॉर्ट्स की बात कर रहे थे, तो इस श्रेणी में मुझे लगता है कि एक और दावेदार है, और वो है जैन इरिगेशन, जिसमें कि एक ब्रेकडाउन आते हुए नजर आया है। ये भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद है, तो आशु जी पूरी तरह एग्री करेंगे कि मौजूदा स्तरों पर जैन इरिगेशन बेचना चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी नीचे के लेवल्स आएंगे। मेरा अपना जो लक्ष्य है, जिस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और अगर आज क्लोज यहीं आता है तो 65 रुपये का टारगेट जैन इरिगेशन के लिए बनता है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म टारगेट 71 पर रखें, दूसरा टारगेट 69.50 का होगा। मौजूदा स्तरों पर शॉर्ट करने की राय है, 73.50 पर रखना है स्टॉप। तो 73.50 पर रखें स्टॉप लॉस, बिकवाली की पोजीशंस बना सकते हैं जैन इरिगेशन में। और नीचे के टारगेट्स क्या बताए कुणाल, एक बार फिर से बताइए। 71 पहला टारगेट है दीपाली, और 69.5 दूसरा टारगेट। तो 69.5 दूसरा टारगेट, 71 पहला टारगेट है जैन इरिगेशन में। तो ये राय निकल कर आ रही है जैन इरिगेशन में। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और कोटक सिक्योरिटीज से हमारे साथ अब श्रीकांत चौहान हैं। श्रीकांत गुड आफ्टरनून, पहले तो इंडेक्स पर ही अपनी एक राय दे दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी कमजोरी तो दिख रही है अभी की, अगर मौजूदा भाव देखें तो निफ्टी भी 11,000 के नीचे है और बैंक निफ्टी 25,000 के आसपास कर रहा है ट्रेड, क्या व्यू है इन लेवल्स पर? गुड आफ्टरनून, देखिए वैसे जो बैंक निफ्टी जो 11,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी नेगेटिव है, क्योंकि जो पूरा ओपन इंटरेस्ट था वो 11,000 के आसपास था। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखा जाए, और या तो थोड़े एक दो दिन या चार दिन के चार्ट को देखें, तो मुझे लगता है कि जो मार्केट है वो क्लियरली 11,200 और 10,850 के रेंज में काफ़ी अच्छा वक्त निकाल सकता है। तो अभी मुझे लग रहा है कि हम वापस एक बार 10,850 के करीब करीब शायद जा सकते हैं। आज के लोज में भी 10,930-925 के करीब के हो सकते हैं। कल की ओपनिंग शायद अगर लोअर हो, या एक दो दिन में अगर वीकनेस देखने को मिले, तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट 10,850 के नीचे जल्दी से जाए। बट 10,850 के करीब अगर मार्केट दिखे तो मुझे लगता है वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, वापस एक बार हमें एक यू टर्न मिल सकता है। तो रेंज बाउंड एक्टिविटी लग रहा है, और करंट लेवल से मुझे लग रहा है कि एक बार निफ्टी 920-930 में एक पॉज ले सकता है। और इस बीच ईरान के जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, उनका ये बयान आ रहा है कि वो हिंदुस्तान को तेल बेचते रहेंगे और हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदता रहेगा। अभी मामला ये है कि पेमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि डॉलर की ज़रूरत बहुत पड़ती है, और हिंदुस्तान ये चाहता है कि ईरान को रुपए दे दिए जाए बजाय डॉलर देने के, तो उस पर बातचीत चल रही। तो अब देखिए क्या होता है। इस वक्त तो जो संकेत मिल रहे हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। ये HPBPIOC के लिए खबर तो ठीक है कि आप 30 नवंबर को जो करार खत्म हो रहा है उसके बाद भी आप रुपये देते रहो, तेल खरीदते रहो, डॉलर खरीद के देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो ये ठीक है संकेत, देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ये खबर है जो आपको बताना ज़रूरी है। वैसे तो आशु सर ने तो बोल ही दिया है कुछ खरीदना नहीं है इनको HPBPIOC। श्रीकांत जी, आपका कोई इरादा है, कोई स्टॉक मजबूत दिखता है इनमें? हर बार निचले स्तरों से खरीदारी तो आती है, कच्चा तेल इतना ऊपर है, रुपया उतना कमज़ोर है, उसके बावजूद इन कंपनी पर अब दबाव बनता नहीं है, तो क्या खरीदना है या कोई बेचना है? देखिए मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक्स है या तो जो भी ऑयल कंपनीज हैं, अगर आप इनके ट्रेंड को अगर आप बहुत क्लोजली देखते हो तो ये वे अहेड ऑफ जो एक मार्केट का एक्सपेक्टेशन होता है उसके पहले ही ये ट्रेंड कर लेते हैं। जैसे क्रूड अभी 85 के आसपास जा रहा है, और ये बहुत पहले काफ़ी लंबे फॉल में कन्वर्ट हो चुके थे। अभी मुझे लगता है कि जब क्रूड एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है, 85 या 90 जो लोगों का कैलकुलेशन है, मुझे लगता है कि ये प्राइस्ड इन है ऑलरेडी, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि इन सब में ना एक हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसमें ओवर एंड अबव एक्सेसिव शॉर्ट जो हो गया था उसमें कवरिंग हो रही है। बट हमेशा मुझे एक BPCL काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप इस चार्ट पर, इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर आप वीकली बेसिस पे देखते हो अनिल जी, तो इसमें काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है, और यहाँ से अगर एक मीडियम टर्म व्यू अगर हो, यानी यहाँ से कम
तीन महीने का अगर व्यू हो तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि BPCL डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ से ये स्टॉक जो है 370 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये 400 या 420 के करीब हमें देखने को मिल सकता है। वैसे IOC, ONGC इनमें भी फॉर्मेशन वैसे ठीक ठाक है, लेकिन BPCL हमारी सबसे पहली पसंद है। ओके, BPCL में करें खरीदारी। ये है स्टॉक जो एक्शन में रहेगा। इस बीच एक स्टॉक जो तेजी से गिरा है वो है CG पावर। बंसल जी के बोलने के बाद इस स्टॉक में सदाबहार शॉर्ट होते ही बाहर आ गई है। मेरे को तो था जोर का झटका शायद एक दो दिन में लगेगा, इसने तो अभी नहीं, अभी आजकल एक दो दिन का काम एक दो घंटों में ही हो जाता है, लगना है तो लग ही जाएगा फिर। मतलब देखो, बढ़ने में वक्त लगाता है स्टॉक, गिरने में नहीं लगाता। बोल उनको पता है कि जब गिरना, कल गिरे तो आज ही गिर जाए, खत्म करे काम। इससे बढ़िया माहौल क्या मिलेगा गिरने के लिए? ग्रेविटी भी तो है, वो न्यूटन का सिद्धांत है जी। हाँ, ग्रेविटी, ग्रेविटी। और जब नहीं गिरने के लिए, इससे बढ़िया माहौल क्या मिलेगा? जिसको गिरना है उसके लिए तो बेस्ट माहौल है आज तो, इसलिए। और देखो श्रेय इंफ्रा कंपनी का बयान आने के बावजूद 20%, 14-15% में हम बात कर रहे थे और 20% हो गया। अब हमने बोला 14 की तरफ बढ़ा, लेकिन इतना जल्दी क्यों बढ़ रहा है ये थोड़ी पता चलेगा कि कितना जल्दी क्यों बढ़ रहा है, लेकिन यही है। आंध्रा बैंक 10%, यस बैंक 10%, माई गॉड, रिलायंस कैपिटल 9%, 8% स्टॉक तो अच्छा। ये आइडिया को भी क्या हो गया इसको, 38 रुपये? अरे भाई, बिरला जी की कंपनी है, इसको ऐसा ट्रीटमेंट। सर ये जरा आइडिया और टेलीकॉम शेयरों पर आए दीजिए आशु सर। सर मैंने तो आपको बिल्कुल बोला, आप और हर बार आप ये बात मेंशन करते हैं कि बिरला जी की कंपनी है, तो सर ये तो कोई रीज़न नहीं होता, फिर तो सारे स्टॉक्स बिरला जी के ही लेने चाहिए। बट बिल्कुल किसी भाव पे आइडिया नहीं लेना सर। आपने मुझसे 52 पे पूछा था, 45 पे पूछा था, आज आप 38 पे पूछ रहे हैं। सेम व्यू है सर, अगर या तो टेलीकॉम लेना नहीं है, अगर लेना है तो सिर्फ भारती लेना है, ट्रेडिंग प्ले बीच बीच में अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, पोजिशनल शॉर्ट ही रखना है इन बाकी स्टॉक्स को। तो सर पता तो मेरे को है, खाली आपका मन टटोल रहा था कि बदला तो नहीं है सर, वैसे तो मुझे मालूम है आप पूछ के देख। सर आप मुझे ट्रैप कर लेंगे किसी भाव पे, किसी दिन लग रहा है कहीं आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो, कहीं आपको मतलब दया आ गई हो 38 रुपये देख के। अरे ये तो भला हो स्टॉक्स को और भाव का जो साथ देते जा रहे हैं सर, नहीं तो आप तो पकड़ लेंगे कभी मुझे। चलो मेरा है जो डर है वो बंसल जी और कुणाल जी से आगे भी फैलता हुआ दिख रहा है। जल्दी आइडिया एक ऐसा काउंटर है जिसमें 90 रुपए के भाव से कभी भी किसी ने भी मतलब बाय कॉल हमारे यहाँ से नहीं दी, लगातार हम इस बात वाली किराए दे रहे हैं लगातार। करेक्ट। एक और स्टॉक जो मुझे याद आता है, जो आशीर्वाद कह रहे थे जो गिरने में आगे रहेगा, वो है एस्कॉर्ट्स। जरा इसको भी देखिए, एस्कॉर्ट्स का स्टॉक भी आज एक्सपायरी के दिन, मेरे ख्याल से सुबह थोड़ा कोशिश कर रहा था कि बताने के, देखो मैं भी अभी जिंदा हूँ, दम है मेरे में, लेकिन बस शाम होने के पहले ही दम तोड़ दिया। आशुतोष क्या किया जाए? 645। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल आपने ठीक बोला, सुबह 670 था और अभी ये 640 पे क्लोज हो रहा है। सर देखिए, मुझे लगता है कि अनलाइक NBFC या बाकी काउंटर्स के चलते बहुत ह्यूज ओवरबॉट तो है, लेकिन फंडामेंटली खराब नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि नए भाव के शॉर्ट नहीं करना चाहिए, लिया नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें भी बहुत पब्लिक ऊपर के भाव पे फंस चुकी है। तो ये टाइम वाइज कितना करेक्शन में जाता है, कंसोलिडेशन कितनी लंबी होती है, तो अभी अनिल जी किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो जल्दबाजी अगर करनी है तो अपने ही शॉर्ट्स कवर करके बैठ जाए ना, वो बहुत अच्छा, अच्छे भाव मिल रहे हैं। नया ट्रेड करने के लिए कुछ अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी वी शेप रिकवरी नहीं होनी है, बट लेकिन नया शॉर्ट एस्कॉर्ट्स में नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। 2.5% नीचे हालांकि अभी ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। अब देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो ऊपरी स्तरों से तेजी से फिसला है नीचे और अब ये बिल्कुल फ्लैट हो गया है 264 के लेवल्स पर क्रेडिट, वरना 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा था। पंजाब नेशनल बैंक ये अब 7.5% लुढ़क चुका है, यहाँ भी ऊपरी स्तरों से एकदम से मुनाफा वसूली हुई है। अभी शुभम एक बार राय दीजिए PNB पर भी, ऑलरेडी क्योंकि 7% लुढ़क चुका है और SBI अभी भी लुढ़का नहीं है, बिल्कुल फ्लैट अब हो गया है, इस पर क्या करें? दीपाली, PNB में तो जैसा हम जानते हैं जिस तरह से पोजीशंस फंसे हैं लोगों के, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऐसा रहा था जहां पे हर लेवल पे लोगों ने निकलने के बदले एवरेजिंग को चूज किया, और इसके चलते इसमें सेकेंड लेग का सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, और ये सेल ऑफ मुझे लगता है 50 रुपए से पहले तो थमता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो PNB बहुत क्लियरली यहाँ पे तो बेचने की सलाह होगी, अभी भी अगर होल्डिंग है किसी का तो मेरी सलाह होगी कि एग्जिट कर ले, 50 रुपए के आसपास ये वापस से मिलना चाहिए। वही अगर हम दूसरे साइड SBI की बात करें, मुझे लगता है कंसोलिडेटिव बैंड वहां बन चुका है,
255-270 ये एक रेंज बनता हुआ दिखेगा हमें एसबीआई में, तो बहुत यहाँ पे कोई लुक्रेटिव ट्रेड अभी तो मुझे नहीं दिखता है, बट कभी भी अगर 255 के आसपास आता है तो हो सकता है एक बाइंग कैंडिडेट बन सकता है, बट करंट लेवल पे तो अवॉइड करने की सलाह होगी। तो पीएनबी है तो बेच दे, और एसबीआई में अभी कोई ट्रेडिंग पैटर्न मुझे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे अवॉइड करें तो बेहतर होगा। तो ये रहा है एसबीआई पर, 264 पर कर रहा है ट्रेड। एक बार जेट एयरवेज को देख लेते हैं, और मौजूदा भाव जो है आप देखिए, ये कैश का भाव है, यहाँ पर 185-186 का भाव आ रहा है, 3% कमजोर है। लेकिन अगर आप सितंबर और अक्टूबर फ्यूचर का भाव आप देखेंगे फ्यूचर्स में जेट एयरवेज का, तो उसमें भारी डिफरेंस दिख रहा है। सितंबर फ्यूचर का जो भाव है उसमें 4.5% नीचे है, 183 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अक्टूबर फ्यूचर में 168 का भाव दिख रहा है। तो ये आप देखिए, ये अक्टूबर फ्यूचर का भाव है जहाँ पर 168% 11.5% की कमजोरी है अक्टूबर फ्यूचर के भाव। अगले महीने में और नीचे बिक रहा है। इंडिगो भी देख लें, पता नहीं इंडिगो भी ऐसे ही हो रहा है क्या, या खाली समस्या जेट की है, वो भी देखना जरूरी। इंडिगो दिखाइए कैश में क्या चल रहा है, एक बार पता चलेगा। इंटरग्लोब कैश और में 840 का भाव, 840 फ्यूचर इंडिगो है 840 बराबर, इस महीने का तो वही है, नेक्स्ट महीने का देखना पड़ेगा कि क्या इंडिगो भी वाकई में बन। कुणाल जी क्या एक्सेस शॉर्ट्स हैं क्या, जरा देखिए इस पे जेट में, और एक बार आप राय दीजिए श्रीकांत जी क्या करना है जेट एयरवेज में। देखिए जेट एयरवेज ने वैसे इम्पॉर्टेंट लेवल को ब्रेक कर दिया है, और उसके जो ऑल टाइम लोस थे 130 के करीब के, ऑलमोस्ट उसके करीब ये पहुंच चुका है। ये 800-850 के करीब का स्टॉक था, अभी गिर रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी से अगर एक बार जैसे लेकिन उसके ओवरऑल बिजनेस, या तो मैं ओवरऑल एक पैटर्न की बात करता हूँ, अगर मैं टेक्निकल बेसिस पर अगर बात करता हूँ, तो इसमें एक स्ट्रेट वर्टिकल सेल ऑफ देखने को मिला है। करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये ओवर डन है, या तो एक्सेसिव शॉर्ट शायद इसमें बिल्टअप हो सकता है। इट इज़ बेटर अभी टाइम बींग के लिए इसको अवॉइड करें, क्योंकि जैसे ये ऑयल कंपनीज जो जितने भी है उनमें जैसे एक अपटिक देखने को मिला है, अगर इनमें अगर अपटिक स्टार्ट अगर हो जाए तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि थोड़ा अगर बॉटम फिशिंग करें, अगर करना भी है तो लगता है इंडिगो में कर लेना चाहिए बॉटम फिशिंग, और जहाँ पे भी जो फ्लोज है अगर वो स्टेबलाइज अगर होते हुए दिखे तो फिर मुझे लगता है कि हमें जेट में भी काम कर लेना चाहिए। बट करंट बेसिस पे मुझे लगता है कि इस लेवल से शॉर्ट करना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो ये रहा है इंडिगो और जेट एयरवेज पर। इन्फीबीम इसे आप देखिए, यहाँ पर अभी भी एक ब्लॉक डील हुई 3.25 लाख शेयरों की, और उस ब्लॉक डील के बाद ये स्टॉक तेजी से फिसला ऊपरी स्तरों से, और 196 रुपए पर अब कर रहा है ट्रेड, 9% नीचे, और बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक ही हो गया है। पिछले शुक्रवार को इसने सीधे 225 से गोता लगाया नीचे, 180-190 का थोड़ा रिकवर हुआ, अब वापस 19 स्तरों पर पहुंचने की कोशिश करते हुए। कुणाल एक राय दीजिए अपने इन्फीबीम पर। देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे एक्सपायरी प्रेशर्स प्ले आउट कर रहे हैं दीपाली। आप देखिए 4 रुपये का प्रीमियम अभी भी फ्यूचर्स में बना हुआ है, जबकि एक्सपायरी में भी कुछ मिनट बचे हैं केवल। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको काफ़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है ये काउंटर 190 से लेकर के 220 के रेंज में कुछ समय ट्रेड करेगा, एक बार के लिए अवॉइड करें, नई पोजिशन ना बनाए बेहतर रहेगा। दो स्टॉक जो इतने बुरे नहीं माने जाते थे उनमें है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, बायबैक वाईबैक भी आया, प्रोमोटर ने भी सब खरीदारी की, उसके बावजूद स्टॉक 100 रुपये हो गया, अभी देखिए 99 के चक्कर में पड़ा हुआ अभी। और एडलवाइज मतलब इतना इज्जत वगैरह से नाम लिया जाता था, नाम तो इज्जत से अभी भी लिया जाता कंपनी का, तो शेयर लेकिन बहुत 200 के भी नीचे आ गया 11%। इन दो शेयरों पर आपकी राय क्या है, अगर दे पाए आप आशु सर? सर एडलवाइस हमारा कॉम्पिटिटर है तो मैं मतलब अवॉइड करूंगा। वैसे मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी वो जो एनबीएफसी वाला, क्योंकि उनका कलेक्टिव बिजनेस है तो एनबीएफसी प्रेशर ही है उसमें। और दूसरा स्टॉक आपने कौन सा बोला सर? इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, 100 रुपये हो गया ये। हाँ सर, यस सर, इंडिया बुल्स भी सर बहुत ओवरबॉट है, मतलब मुझे लगता है कि सर इसमें भी ना कॉम्प्लेसेंसी हुई है, क्योंकि आईबुल जो ग्रुप है वो एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स माने जाते हैं और हैं भी, उसके चलते मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंसी थी मार्केट में। और जो भी अनिल जी ऑन द स्ट्रीट मिलता था ना, वो आईबुल रियल और आईबुल वेंचर या आईबुल के ना बहुत बड़े बड़े टारगेट देते थे कि सभी स्टॉक का जो टारगेट था वो डबल था। तो मुझे लगता है कि सर ये कहीं कॉम्प्लेसेंसी की मार है और ये सबको झेलनी पड़ी है, और कहीं जो मार्केट है सर वो सबसे बड़ा होता है, वो अगर इतनी आसानी से और इतने कम्फर्टेबली सबको डबल डबल के भाव दे दे तो फिर तो सर आप और हम कुछ भी बन जाएंगे। बट ये मार्केट सर अब सबसे बहुत बड़ा होता है, तो मुझे लगता है वो जो कॉम्प्लेसेंसी की मार है सबको झेलनी पड़ रही है, और मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो अभी इन सब स्टॉक्स में सर
काफी लंबी ट्रैपिंग हो चुकी है मुझे लगता है, क्योंकि बहुत ही कन्विक्शन बाइंग थी लोगों की सर इस स्टॉक के अंदर। 100 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है आईबीएल का स्टॉक। पेट्रोल एंड एलएनजी को देख लेते हैं, यहाँ पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखी और स्टॉक अब 1% के आसपास के बढ़त के साथ कर रहा है ट्रेड 227 के लेवल पर। हालांकि यहाँ अगर आप फ्यूचर का भाव देखेंगे और कैश का भाव, तो 2 से 3 रुपए का अंतर ऑलरेडी है। 224 पर ये ट्रेड कर रहा है, आधा पौसे नीचे है फ्यूचर्स में। अब 227 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, ये काफी वॉलेटाइल रहा स्टॉक, लेकिन अब वापस 1.5% की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। निचले स्तरों से यहाँ भी रिकवरी बनती हुई दिखी है। राकेश जी आप बताइए इस पर राय, 4130 किसी के पास हो पोजीशन रखें या फिर निकलें? नहीं दीपाली, काफी अच्छी क्लोजिंग दे रहा है और इनफैक्ट सीमेंट स्टॉक्स में इस स्टॉक के अंदर एक ये स्टॉक जो है नई टेरिटरी में एंट्री ली है, किसी ने ले रखा है तो डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए अल्ट्राटेक सीमेंट को। होल्ड करना चाहिए सीमेंट शेयरों में, धीमे धीमे थोड़ी सी खरीदारी फिर से लौटी। अंबुजा देखिए हरे निशान में 227 के ऊपर है और अल्ट्राटेक की आप बात कर ही रहे थे, थोड़ा ऐसी सी जरूर अभी भी 1.5% कमजोर है, तो आखिरी मिनटों में थोड़ी बहुत हल्की हल्की खरीदारी हो रही है। देखते हैं कल GST काउंसिल की बड़ी बैठक है, क्या कुछ फैसला होता है सीमेंट पर GST लगाने को लेकर, अगर वो होता तो इंटरेस्टिंग होगा। फायदा मिलेगा इन शेयरों को अगर आशुतोष सर, अगर सीमेंट शेयरों पर सीमेंट कंपनियों पर अगर जो ये है GST की दर अभी 28% चल रही है, बातचीत कल हो सकती है, अगर फैसला हो जाए 28 को 18% कर दे, जो कि ज़्यादातर सारे कंस्ट्रक्शन वाले सामान में 18% ही, खाली सीमेंट ही एक लग्जरी आइटम रह गया है सरकार के हिसाब से, तो क्या सीमेंट शेयर कल चल सकते हैं अगर ये फैसला हो जाए तो? बिल्कुल सस्ते हैं अनिल जी, क्योंकि टाइमिंग बहुत अच्छी है आज की एक्सपायरी के बाद, इतना लोअर में जब भी, अब मुझे लगता है कि किसी अगले 2-4-5 दिनों में जो भी सेक्टोरल अच्छी न्यूज़ आएगी तो आपको अच्छे रिएक्शन देखने को मिलेंगे, और इसीलिए मैंने इसी डिसिप्लिन से बोला कि एक बार शॉर्ट पोजीशन सारी ख़त्म कर देनी चाहिए, और जो हमारे परपेचुअल शॉर्ट लिस्ट में भी है उसमें भी मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए बाउंस बैक का। सर डिसिप्लिन ये कहता है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी कहा था, बेचना है या ऊपर बेचना है या नहीं बेचना, लेने वाली चीज़ नहीं है, तो मुझे लगता है जो परपेचुअल शॉर्ट लिस्ट भी है उसके लिए भी वेट करनी चाहिए बाउंस बैक। और सीमेंट जरूर हो सकता है अगर ऐसी कोई न्यूज़ आए तो एक स्पाइक दे सकता है हमारे को बिल्कुल। श्रीकांत HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इस पर एक राय दीजिए, स्टॉक में एक एक्सपर्ट दिखा है और एक ब्लॉक डील भी होती हुई दिखी है इसमें, 2 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 400 के भाव पर और उसी लेवल से इसमें एक स्पाइक भी बना है, क्या सजेशन है इन स्तरों पर? देखिए मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक है, इसमें एक एक्सेसिव सेलिंग हुआ था, ओवरसोल्ड हो चुका था ये स्टॉक, और जबकि कल के दिन में आपने देखा होगा कि स्पेसिफिक जितने भी ये जो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं उन सब में बाइंग देखने को मिली थी और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे, तो मुझे लगता है एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है और ये बाउंस बैक किसी एक लेवल के आसपास आके शायद थोड़ा रुक सकता है, या तो वहाँ पे वापस एक प्रॉफिट टेकिंग या तो जो ओल्ड पोजीशंस है उसमें एक लिक्विडेशन आ सकता है, तो मुझे लगता है 420 से लेकर 430 के रेंज में अगर कोई पोजीशन अगर अटकी हो तो उसे रिड्यूस करना चाहिए विथ अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, बट अगर यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म व्यू अगर है तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि पोजीशंस को होल्ड करें, या तो यहाँ से जो भी करेक्शन आए उसमें बाय करके चलना चाहिए, या तो यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो करंट लेवल से भी इसे बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि ये वी शेप में भी रिकवर हो सकता है, तो करंट लेवल से जो भी पोजीशन है उसे होल्ड करें और अगर किसी को अगर एक्सपोजर रिड्यूस ही करना है तो 420 या 430 के रेंज में रिड्यूस करना चाहिए। ये रहा है HDFC स्टैंडर्ड लाइफ पर। कुछ एक दो स्टॉक और देखते हैं जहां पर एक स्पाइक आ रहा है निचले स्तरों से, उसमें क्या तेजस नेटवर्क कैश मार्केट का शेयर, यहां भी 4.25% का उछाल, एक तेजी दिखी है और अभी 293 पर कर रहा है ट्रेड, यहां एक खरीदारी का मूड बनता हुआ दिखा है, 293 के लेवल से एक सडन स्पॉट स्टॉक में आता हुआ दिखा है। सेंसेक्स में मजबूती और बढ़ी और ये स्टॉक अब 5% के उछाल के साथ कर रहा है ट्रेड। एक बार SBI को फिर से देख लेते हैं, एक बड़ी ब्लॉक डील इसमें भी अभी भी होती हुई दिखी है, 6.5 लाख शेयरों का सौदा SBI में 265 के भाव पर हुआ है, एग्जैक्टली 19 करोड़ पर SBI का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 0.5% 1% के आसपास की मजबूती है। तेजस नेटवर्क फटाफट से एक राय कुणाल जी आपकी इस पर। देखिए पिछले कुछ दिनों से हम इसमें कंसोलिडेशन देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ आ गई है दीपाली, और मुझे लगता है कि अब इसमें एक बेस बन रहा है, ये बेस बनने की पुष्टि होगी 310 रुपये के ऊपर, तो नई खरीद की राय नहीं है, लेकिन 310 के ऊपर मुझे लगता है अगर ये निकलता है कुछ समय टिकता है तो बाय करें, जिनके पास है 260 का स्टॉप लॉस। ओके 260 का स्टॉप लॉस रखें। फाइनली एक चीज़ आज के सेशन में अच्छी हो रही है, अभी अभी जो हो रही हो वो ये कि हम बंद होने जा रहे हैं बस एक मिनट में, ऐसा नहीं लग रहा कितना लंबा दिन है ऐसा लग रहा है, लेकिन बंद होते होते थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, 11,000 के करीब पहुंच रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी 25,100 पर आया है,
तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग है, वो आखिरी मिनटों में लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं, वो इंतज़ार करने वाले लोग ही खरीद रहे बेच रहे हैं, बाकी सब तो निपट चुके हैं एक्चुअली ऑलरेडी आज। तो सिंपल चीज़ है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अब उस शॉर्ट कवरिंग में कितना वॉल्यूम है, कितना वाकई में भरोसा है, और एवरेज प्राइस तो बहुत नीचे आएगी वैसे भी, तो ये तो होना ही है। बट एनीवे इस वक्त की एक्शन ये है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते आखिरी मिनटों में थोड़ी खरीदारी, 36400 पर आया है सेंसेक्स, 25100 के ऊपर है बैंक निफ्टी और 10990 पर निफ्टी। तो आज जहाँ खुला था वहाँ से लगभग 100 पॉइंट नीचे जाकर निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा था। एक्सपायरी का दिन जो होता है ना, ऊपर नीचे वाला मामला, वो एग्जैक्टली आज हुआ है। किन शेयरों से बनाए दबाव निफ्टी पर वो देख लीजिए। यस बैंक 9% नीचे, आईबुल हाउसिंग 6% नीचे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, मारुति और टाटा मोटर्स की गाड़ियों में हालत खराब है, 3-3% नीचे है, ONGC 3% नीचे, और आज डॉक्टर सिप्ला सब बीमार हैं, सबके सब, मतलब बुरा हाल है। बड़ा क्या है, TCS 2% मजबूत, सीमेंट शेयरों में अंत में भी खरीदारी रही है थोड़ी, अल्ट्राटेक देखिए 0.25% मजबूत होते रह गए। बंसल जी का स्टॉक है भाई, ऐसे थोड़ी खराब हो जाएगा, इस खराब बाजार में भी बंसल जी कमाल कर लेते हैं, आप कैसे कर लेते हैं 2% मजबूत, वाह क्या बात है। चलिए फाइनली अच्छा हो गया कि बाजार बंद हो चुके हैं। प्रोविजनल क्लोजिंग जो है वो आई है, मैं आपको बता दूं 10986 की निफ्टी पर, नहीं ये नहीं आएगी, इसके नीचे आएगी थोड़ी सी फाइनल क्लोजिंग। बैंक निफ्टी 25100 पर दिख रहा है, जी नहीं 25150-60 के ऊपर आना मुश्किल, 25050-60 के ऊपर आना मुश्किल है, और सेंसेक्स सिर्फ 0.5% नीचे 158 पॉइंट। तो जब फाइनल क्लोजिंग होगी थोड़ा और हम गिर जाएंगे। विदा लेंगे आप सभी एक महानुभावों से, आशुतोष सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगली सीरीज के लिए कुछ बढ़िया पढ़ाई वढ़ाई करके आना सर, थोड़ा अच्छा मतलब है ना कुछ थोड़ी राहत मिल जाए बस और कुछ नहीं और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। बंसल जी, कुणाल जी, आज फ्राइडे वाली फीलिंग क्यों आ रही है, सब नहीं लग रहा आपको फ्राइडे, पता नहीं मुझे तो लग रहा काम आज कर लिया और इतने शेयर गिर गए, ऐसा लग रहा है पूरे हफ्ते का कारोबार आज ही हो गया है ना, ऐसा लग रहा है। बट एनीवे फ्राइडे तो नहीं, लेकिन हाँ छुट्टी कब है, ट्यूसडे छुट्टी है अगले हफ्ते 2 तारीख की, 2 अक्टूबर की। चलिए उससे पहले कल तो नई सीरीज की शुरुआत करेंगे, उससे पहले आज 4:30 बजे बड़ा इंटरेस्टिंग शो है ये, आज जिस दिन लोगों को मार्केट से तनाव हो गया ना उनके लिए ये शो है आज, थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, ताकि कल नई सीरीज की शुरुआत हम अच्छे मूड के साथ करें। और इस सीरीज की शुरुआत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ, सोचिए कौन, इसके लिए तो प्राइस फॉर गेसिंग होना चाहिए, राकेश जी कुणाल जी के लिए। राकेश जी, अनुष्का शर्मा है मुझे लगा आप कहने वाले राकेश जी कुणाल जी के हैं अनुष्का शर्मा और वरुण धवन, और बड़ा इंटरेस्टिंग शो है, स्टार्टअप की राह नहीं है आसान, अनुष्का वरुण करेंगे कामयाबी की कहानी का बयान, सुई धागा से पिरोया है बिजनेस का सपना, हुनर ही विनर है, अनुष्का और वरुण धवन से दोनों से बात करेंगी एकता सूरी, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव बातचीत। सुई धागा एक पिक्चर आ रही है जो स्टार्टअप्स के ऊपर है, तो बिजनेस चैनल पर स्टार्टअप्स की कहानी अगर वरुण धवन और अनुष्का शर्मा सुनाए तो बात ही अलग है, ये शो मिस मत करिएगा, जरूर देखिए, हुनर ही विनर है तो ये शो 4:30 बजे का, ये 4:30 बजे और 6 बजे क्या खास, 6 बजे मोबाइल से बात करते वक्त आपकी कॉल्स अक्सर बीच में कट जाती है, और बात पूरी नहीं होती और फिर दोबारा लगाना पड़ता है बात पूरी करने के लिए, कई बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो इस पर डिपेंड करता है आप किसको लगा रहे हो है ना, लेकिन कहीं तो मूड खुश हो जाता है कहीं खराब, हाँ तो सही बात है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि कॉल कैसे कर गई, लेकिन जानते हैं इसे कॉल ड्रॉप कहते हैं ना, आम आदमी तो परेशानी से जल रहा है, अब PM साहब का भी यही हाल है, मतलब इतनी रिलीफ मिल रही है सुन के कि खाली हम ही दुखी नहीं है, कभी कभी दूसरों के दुख में भी खुशी मिल जाती है। तो अब हुआ ये कि सचिवों के साथ मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कॉल ड्रॉप हो गई और मूड ऑफ हो गया और उसकी तस्वीर भी आ गई है, आखिर क्या है इस कॉल ड्रॉप का इलाज, क्या टेलीकॉम ऑपरेटर्स इसके लिए जिम्मेदार है या सरकार की खराब पॉलिसी है, आज शाम को 6 बजे जी बिजनेस का एक स्पेशल शो जरूर देखिए, उसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, PM मोदी का मूड ऑफ कॉल ड्रॉप। तो ये है 6 बजे का खास, और 8 बजे देश की बात में आज क्या मुद्दा रहेगा, जो आज सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है उसकी उस पर कि मस्जिद में नमाज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, संविधान पीठ को नहीं भेजा जाएगा ये मुद्दा, और मस्जिद के बिना भी हो सकती है नमाज, टाइटल सूट पर सुनवाई का रास्ता साफ, जमीन पर धर्म युद्ध, ये है रात को 8 बजे विशुद्ध राजनीतिक विषय, लेकिन होगा हमारे अंदाज में आराम से हल्की फुल्की बात।
देश की बात। आइए विदा लेंगे बंसल जी से, कुणाल सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि कल से नई सीरीज की शुरुआत में कुछ अच्छी खबरें आए, नहीं रात में, लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है। ये एक्शन तो कल होगा, फिलहाल आज मुझे और दीपाली को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।